ये है येड़ा शेट्टी, दहशत का वो नाम जिससे दुनिया कांपती है। ये धंधे में 3 गलतियां माफ करता है, लेकिन किसी ने इससे गद्दारी की या इसको बेवकूफ बनाया तो वो उसे पहली बार में ही साफ कर देता है। नमक खाया मेरा और तुमने जाकर वफादारी की हमारे दुश्मन के साथ, इसकी सजा मिलेगी। पीतांबरी, अरे बाप रे, तू ये तो ठीक से कपड़ा भी नहीं पहने देते। आया भैया रघु, जगड़ार क्या है? बोलिए। मैंने पुजारी को बुलाने के लिए कहा था, कहाँ है वो? बोला तो था, नहीं को अभी तक आया नहीं। पुजारी जी, यजमान। इतना लेट क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए, इसे वापस रख दीजिए। यजमान, मैं तो तभी आ गया था जब आप भाजी काट रहे थे, आपका दिमाग ठंड होने का वेट कर रहा था। हमारे बेटे के लिए रिश्ता देखने के लिए कहा था, देखा? ओ सर, तुमची आज्ञा सर आँखों पर। ये देखिए पहला मुलगा, दबंग खानदान, लाखों में एक, नकली नोट छापने के जुर्म में 20 बार जेल जा चुका है। ये चिकना चमेला देखिए, 500 पर्स और 100 चैन मार चुका है। ये तो शक्ल से ही चोर लग रहा है। अरे अकेली श्रीदेवी इतने लड़कों से शादी कैसे करेगी? मुझे सड़क छाप दामाद नहीं चाहिए पुजारी, मेरी बेटी के लिए मुझे एक कमीना दामाद चाहिए जिसे देखकर लोग कांप उठे, इतना दमदार कि शेर से भी पंजा लड़ाकर उसकी पैंट बजा दे। बाप रे, तब तो आपको लड़का नहीं बारूद ढूंढना चाहिए सर। पूछो फैमिली मैटर में मत बोलो, उस आदमी का हाथ काट दिया गया ना, उसी तरह तुम्हारी जुबान भी काट दी जाएगी। मेरी नजर में एक लड़का है भाई के बायोडाटा में फिट होने वाला, कटिंग और शूटिंग तो वो बचपन से करता आ रहा है। दुश्मन की मुंडी वो ऐसे पकड़ता है जैसे शेर लोमड़ी की। कल ही उसे आने के लिए SMS करता हूँ। कर नहीं तो तेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर दूंगा। साजनी उछल रही तेरी जवानी, दौर में किसे फांस रही हो रानी। मिस वर्ल्ड, तुम्हारे ये बड़े बड़े गाल, ऊपर से कलर इनका लाल, दूध की मलाई जैसे तुम्हारा बदन, तेरी जवानी में ही मेरा जीवन मरण। चलो दंगे, चल मजा संग। मैं भी चलूं क्या? अरे कहाँ जाऊंगा, पुजारी की दौड़ मंदिर तक। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ जी? अरे तुमने अभी तक इसे तैयार नहीं किया। हाँ अभी कर देती हूँ। जल्दी करो, लड़के वाले किसी भी वक्त आ सकते हैं। पुजारी कहाँ गया? पुजारी बोमला, यजमान ने सुना तो नहीं ना? अच्छा होता अगर सुन लेते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पुजारी जी पीतांबरी से मैं बात कर रहा हूँ ना जी। यजमान, वो लड़के वाले आए क्यों नहीं अब तक? रास्ते में बाथरूम के लिए रुक गए होंगे। यजमान, जब आता है तूफान तो सुई करके झुक जाता है आसमान। सन्नाटे से लग रहा है कि वो लोग करीब आ गए। मेरे लिए बना रही हो? ना वो आ गए। यजमान, देखा मेरा जजमेंट? पहले आप। अबे पुजारी, उनकी गाड़ी में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अबे पुज्जू, दरवाजे तो है फिर भी ये लोग शीशे तोड़ के बाहर क्यों निकले? आप शेर हैं तो वो सवा शेर हैं। वो कैसे? गधे इनको नहीं समझ सकते, छोड़। अरे पहले जेंट्स क्यों आए? लेडीज फर्स्ट होती है ना। हम तू का लेडीज टेलर है? ये तो औरत के रूप में मर्द है। इनका स्टाइल है, बहुत डेंजर है, ये काली माता के भक्त हैं। ये बात कम करते हैं, लात ज्यादा मारते हैं। अयू। ये येड़ा शेट्टी, नमस्कार कीजिए। नमस्कार। मुझे नमस्कार। नहीं मंडली इन्हें नमस्कार नहीं किया गया, इनको कीजिए नमस्कार। ये जालिम शंकर शेट्टी हैं, उनकी पत्नी उनसे भी ज्यादा जालिम है ना। ये लड़का थोड़ा बुढ़ा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये लड़का हमारे फैमिली का फ्रेंड है, लड़का बम फटने के बाद आएगा। अरे पहले क्यों नहीं बताया? ए, एक तगड़ा वाला बम मारो हमारे दामाद की एंट्री के लिए। ठीक है ना।
अरे बम फट क्यों नहीं रहा? फुस की बम तो नहीं है? क्या कहा? जरूर फटेगा और ये झोपड़ा कांप उठेगा। अरे एंट्री मारने का सबका अपना अपना स्टाइल होता है। रोहित शेट्टी सीटी मारता है तो बम फटता है। जब वो गुस्से से देखता है तब बम फटता है। रजनीकांत देखता है तो बम की खुद फट जाती है। अरे अच्छा हुआ बम नहीं फटा, नहीं तो ये उड़ जाता। अयो देखना मेरा बेटा पाव रखेगा तो सुमो के चिथड़े उड़ जाएंगे। जवानी है। हाँ, बोलो कब बजाए बैंड? कहो तो अगले साल गेम बजा दे। बजा दो। माल सड़ जाएगा। तो कल कर दे। देखो अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दो खूंखार गुंडे आपस में संधि बन सकते हैं। और फिर हमारे बाद तो सारा खून खराबा मार धाड़ यही तो संभालेगा। ये संभाल पाएगा? अरे इसी ने तो धंधे को यहाँ तक पहुँचाया है। सुनो कल हम शादी की तारीख पक्की करने आपके घर आएंगे। आजकल इतना दबंग लड़का सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। बहुत बड़ा गैंग वॉर हो रहा है, देखने तो दो। ना इस गांव में ये मर्द का बच्चा आखिर है कौन? जैसी तहाड़ और दिखने में पहाड़। देखो इसने तो एक्शन में ब्रूसली चूसली जेटली सबको चूस लिया। ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। मेरा दामाद है बेस्ट। ये जरूर मेरे पापों का फल है जो मुझे इतना राउडी दामाद मिला। वाह 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 वा, मेरे बिगड़े शेर। ये है प्रेम कुमार। ये किसी राजकुमार से कम नहीं है। इसे मंदिर की घंटियां बजाने के लिए हाथ उठाना भी अच्छा नहीं लगता था, पर इस बेचारे को राउडी गुंडा डॉन भाई दबंग क्यों बनना पड़ा और उनका बैंड बजाने के लिए हाथ क्यों उठाना पड़ा, आइए वो देख लेते हैं। क्यों गया?
सांस फूल गई है। अरे अगर ये हाल है तो आगे बोलो, क्या होगा? पास आ गए, चलो। अरे भागो। अरे रुको रुको, मेरी धोती खुल गई है। जब संभाली नहीं जाती तो क्यों पहनते हो धोती? हो गई ना गोची। बांधो ना। बांधने का टाइम नहीं है, उतार के भाग। पकड़े गए तो धोती के साथ अर्धा वस्त्र भी उतार लेंगे। पड़ा लो उधर। बेटा पकड़ के भाग। मेरी भी ढीली हो रही है। अरे इधर सुबड़ी में कुबड़ी ले। यहाँ से सकते हैं। अरे चला। वाचलो रे देवा। ओह देवा रे देवा, बच गए। अरे मेरा गेट बंद कर। मुंह का नहीं, बाहर का गेट बंद कर। कौन है? हस्बैंड है। इतना हाफ क्यों रहे हो? हाथ गाड़ी चला के आए हो क्या? हजार बार बोला है कि जाते समय मत टोका करो। विधवा होते होते बची हो तुम लोग। इतना क्यों भड़क रहे हैं भाऊजी? ये तो शुभ मुहूर्त का टाइम है, आप शादी के हॉल से इतनी जल्दी क्यों आ गए? हॉल से नहीं आते तो सर में ही होल बन जाता। अगर भाई याद है मैंने तुम्हें कितना समझाया था, जब ये उल्लू का पट्टा तुम्हारी पेट में था, कहा था भजन कीर्तन सुना करो, लेकिन तुमने सुने फिल्मी गाने, तो कुछ तो असर होगा ना? चुप रहो, ये तो फिल्मी गानों का ही असर है जो इतना भोला बच्चा पैदा किया मैंने। अरे ये भोला नहीं, आग का गोला है। आप भी कम नहीं, आपके उच्च स्वर के भजन कीर्तन से पड़ोसियों की नींद हराम होती है। चुप कर, काका पे इल्जाम लगाना बंद कर। तेरी वजह से आज रास्ते पे मेरी इज्जत उतरने वाली थी। तो बाबान की तरह तू अंत वस्त्र क्यों नहीं पहनता? चप्पल कुटिया है, मिल जाती तो तुझे अभी धो डालता। चप्पल तो आजकल खा रहे, त्रिशूल से ही भोग डालते। गलत, त्रिशूल से तो नूडल खाते। पता है तेरे लाले ने क्या फूल खिलाया? हाथ में चावल गया। तुम ही पण बहन जी, चावल लो, आपके भी पीले हो जाएंगे। इस कच्चे चावल की तरह कभी आपका रिश्ता कच्चा ना रहे। वर को दो, जैसे आज चावल बांट रहे हो वैसे पूरी जिंदगी एक ही थाली में से आधा आधा बांटना। ओम चावलाय नमः। भाऊ बोल। भाऊ खुल गई है लॉटरी, तेरी धोती। नमः। शादी के पवित्र रिश्ते में बनने के बाद तीर्थ यात्रा पर चले जाना गंगोत्री हरिद्वार। पुष्कर पुष्कर चावल डालो ना बहन जी। बद्रीनाथ केदारनाथ पुष्कर। ओके रुका क्यों है पुष्कर? क्या हुआ बच्ची को? इसके फ्रॉडी मंत्र की वजह से दूल्हे ने दुल्हन को पुश कर दिया। गुस्से में आके दुल्हन के बाप ने दुल्हन की माँ को पुश कर दिया। इसके बाद पुश का दौर चलता गया। पुश चैनल में आपने पुश वर्ड इतनी बार नहीं सुना होगा जितनी बार इसने पुश किया। और ये म्युनिसिपैलिटी मीडियम इंग्लिश नहीं जानता फिर भी सबको पुश करने लग गया। इसकी इज्जत उतर जाती अगर मैं धोती पुश नहीं करता। मैं बरोबर बोला ना? बरोबर बोला, मेरा तार जैसा बेटा बिल्कुल ठीक बोला। यू मीन धोती का दोष है? एब्सोल्युटली। इतनी सीधी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुस रही? वहाँ सबके जूते पड़ते सर पर, पंडित होकर मंत्र क्यों नहीं याद करता? पण बाबा मुझे तंत्र मंत्र में कोई इंटरेस्ट नहीं। पान पट्टी की दुकान खोल तो मुझे चलेगा। पंडित की लाइन में फ्यूचर नहीं है। पंडित की लाइन में फ्यूचर नहीं है तो क्या कमर मटका कर पुरोहित वंश का नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है कमीने? शांत रहा, शांत रहा। आईका, अगर इसने पान पट्टी खोल ली ना तो तुम्हारे पुश्तैनी धंधे का क्या होगा? तो तू मला आइडिया देना, उसके लिए उसका लग्न करा दे। शादी के बाद भी नहीं सुधरा तो? हम सुधरे थे, ये भी सुधरेगा। तो बेटा मुर्गी पसंद है? मुलगी पसंद है। दत्तरे की बेटी को पसंद करना था, माँ को नहीं। हमारी पसंद कितनी मिलती है? विजयलाल आपका बेटा ठरकी है। अरे ओ कपूत, कभी तो सोच समझ कर बोला कर। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, इसने पसंद तो किया। अरे पसंद करने को मेरी ही बीवी मिली। अच्छी बात है, बीवी के साथ माँ का भी प्यार मिलेगा। क्या कर रहे हो? कस नहीं करत मी, बेटी से माँ दो कदम आगे। अभी चुप कर। एक बात कहूँ, मुझे भी लड़की पसंद है। देखा आपने, आपका सारा का सारा परिवार ही ठरकी है। आप लोग लड़की रही डॉक्टर ढूंढी है। गेट आउट कहने से पहले गेट आउट हो जाओ। हमें गेट मत दिखाओ, आते हुए देख के आए थे। सलाह मंडली। सलाह, अगर तू पंडित नहीं बनना चाहता तो एक अच्छी लड़की देखकर शादी क्यों नहीं कर लेता? भाऊ मैं प्यार करके शादी करना चाहता हूँ, पहले प्रेम नंतर गेम। ओ उसे शिवाजी पार्क लेकर जाऊंगा, कैंडल लाइट जलाऊंगा। प्यार कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम ब्राह्मण है इसलिए प्यार नहीं कर सकते? कहीं दूर कोई ना कोई मेरे लिए भी बनी होगी। ओहो, हमारी इकलौती मुर्गी है, बहुत ही लाड प्यार से पाला है हमने इसे। क्या बात है, इसे देखकर लगता है खाते पीते घर की है। लेकिन इसके लिए डबल नहीं जंबो बेड लाना पड़ेगा। बेटी इनके पैर छुओ, आशीर्वाद दो इनका। बस बस तुमसे नहीं होगा, रहने दो। बाबा ये लड़का मुझे पसंद है। ये तुम्हारे ससुर जी है, लड़का नहीं।
मिल गया। वहाँ देखो बेटी, वहाँ जो पीला शॉल ओढ़े लड़का खड़ा हुआ है और जल छिड़क रहा है, वही लड़का है। यही मौका है बेटी, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। पसंद आया? चलेगा ना तुम्हें? दौड़ेगा। ये फूल जरा मूर्ति पे चढ़ा दे तो। चल जा। कहीं दूर कोई ना कोई मेरे लिए भी बनी होगी, मेरे लिए भी बनी होगी, मेरे लिए भी बनी होगी। लिख लिया भाऊ? हाँ। सुनाऊं? हाँ, सुना। प्रिय सखी प्रियतमा प्राणेश्वरी। हाँ हाँ हाँ। महोदया सविनय निवेदन है कि। अरे तू ये प्रेम पत्र लिख रहा है कि लीव एप्लीकेशन? दिल से आना हाँ, चाहिए। खत लिख रहा हूँ, खून से स्याही मत समझना। हाँ। लंबाई चौड़ाई अच्छी है मगर सिपाही मत समझना। तुम्हारे प्यार के मंदिर में प्रवेश करते हाँ। ही मेरे मन का घंटा बजने लगता हाँ, है। टाइमिंग है। तुम्हारी आंखें जैसे झील हाँ। दिल करता है जस्ट चील चील। तुम सूरज की रोशनी, मैं नाइट लैम्प। बाय तुम्हारा गालिब। गालिब नहीं, प्रेम कुमार गालिब। भाव भाव सुना सुना। मैं ठहरा आशी कनाड़ी, कब जाएंगे हम शिमला मनाली? मिर्जा गालिब सुनते तो पैदा होने से पहले ही खुदकुशी कर लेते। का ये प्रेम पत्र पहुंचा दे। मैं नामत बोलो भाव, जैसे मैंने प्यार किया मैं कबूतर ने प्रेम की चिट्ठी पहुंचाई थी वैसे ही तू भी पहुंचा दे। कृष्णा मिनी नारियल में लेटर, मुझे भी कबूतर का काम करना पड़ रहा है। कच्ची शराब पीने से 6 मरे। मेरी आंख मर गया। ये नहीं तो अंकल, नारियल से मुझे निशाना बनाया, जरूर तुम्हारी आंटी होगी। आंटी निन्नो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ए, ए, ए। गंदे इशारे कर रहा और उसे लेटर भी दे रहा है। मैं गंदे इशारे नहीं कर रहा था, लेटर उसने लिखा था, मैं तो सिर्फ कुरियर करने आया था। तो जिसने लिखा है वो कहाँ है? वो क्या उधर खड़ा है? ए लंबू, ये क्या है? आपने पढ़ा नहीं, मैंने खुद लिखा है, लव लेटर है। थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। शट अप, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए वार्निंग देकर तुम्हें छोड़ रही हूँ। दोबारा ऐसी गलती की ना तो तुम्हारा हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। क्या हुआ भाई, तेरे को भी पड़ी? प्यार की शुरुआत ऐसे ही होती है, प्यार में जो मिले खाओ, चप्पल हो या थप्पड़। क्या पुजारी ने तुम्हें लव लेटर लिखा? तो वो पास हुआ कि फेल? उसने लव लेटर लिखा था, एग्जाम पेपर नहीं। पूजा पाठ करने के बजाय लड़की पटाने चला था। अगर उसके दिमाग से मैंने रोमांस का कीड़ा नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम मुन्ना भाई नहीं चुन्ना भाई होगा। गुड मॉर्निंग मुंबई। थोड़ा थोड़ा क्या मारना, पूरा ही मार दो। मतलब आप मुझ पे मरते हो? आज या कल मेरे पापा तुम्हारे पापा से शादी की बात करेंगे, ओके ना? मैच है क्या? क्या तुम्हें पता है इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? क्रिकेट ही होगा। गलत। नेक्स्ट, ये बताओ सचिन तेंदुलकर कौन है? वो तो भगवान है। तो हॉकी के बारे में कुछ जानते हो? हाँ इतना पता है कि वो डंडे से खेली जाती है। मैच तो खेला होगा। जिससे खेलना चाहता हूँ भैंस है तुम्हारी जैसी। हाँ? इसी का स्टंप उखाड़ना है। क्या तुम्हारी कभी पिटाई हुई है? प्यार में तो होती है। अटैक! या!
देखो ज्यादा ही हो गया। अब से मेरी दीदी को लव लेटर लिखा तो हट, याद रखना। कम ऑन बॉयज। मार दिया। क्यों रो रहा है? ऐसा लगता है पेट्रोल की महंगाई का असर सबसे ज्यादा तुझ पे हुआ है। महंगाई का नहीं, पिटाई का असर हुआ ही है। मैं अकेला और वो 10-12 लोग थे, ऐसे ऐसी जगह मारा, ऐसे लगा जैसे मैं फुटबॉल हूँ। और तेरी धुलाई क्यों की? उन्होंने पूछा कि सचिन तेंदुलकर कौन है। मैंने कहा वो तो भगवान है हमारे। फिर नेशनल गेम के बारे में पूछा, मैंने बोला कोई भी बच्चा कहेगा वो तो क्रिकेट है। अब तू ही देख, सही जवाब देने पे मुझे इतना मारा। बोला शर्म अली पाइजल भाऊ, छोटे छोटे बच्चों से तू बुरी तरह से पीट कर आ गया। कौन बच्चे? उनमें से एक तो हाथी का बच्चा था। अगर वो मुझे मिल गया ना तो लपेट के उसे मैं मशीन के अंदर डाल दूंगा। क्या कहते हैं? गन्ना जूस मशीन। हाँ, गन्ना जूस मशीन, उसमें डाल के उसे पतला कर दूंगा। भाई उसे देखो, इसी हाथी ने मुझे मारा, इसको नहीं छोड़ना। जाने दे भाऊ। मैं इस आरती से उसकी आरती उतारता हूँ। कंट्रोल भाऊ। अरे बेटा अभी तक यहीं खड़े हो तुम? देख भाऊ, कानून के हाथ लंबे होते हैं, वहीं से खड़े खड़े थप्पड़ मार देगा। नारियल तोड़ना बाकी है। नारियल पत्थर पर तोड़ना, किसी के सर पे मत तोड़ देना, वरना वो कंप्लेन करने मेरे पास ही आएगा। शंकरा भाऊ, तुझी वही नहीं आई। चल चल, आइए आइए, ये हमारा अहोभाग्य है कि आप सह परिवार यहाँ आए। दर्शन कर लिए, बेटी की कुंडली मिलानी है। ऐसी कुंडली मिलाऊंगा कि प्रेम का प्रवेश अवश्य होगा घर में। देखा, मुझे घर छोड़कर हर जगह इज्जत मिलती है। क्या बात है, आज इतने कम पुजारी क्यों हैं? आज सारे पुजारियों का हाफ डे है ना। ओ, मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए ना। पूजा आरम्भ करते हैं। ओम नमो भावी पत्नी नमो हो, ओम शीला की राशि मुन्नी गई काशी, पिंकी पैसे वालों की नमः, हर हर महादेव, लड़की की मनोकामना पूरी हो और वो जल्द से मेरी हो। सारा रख लीजिए। इतने का हम क्या करेंगे? इसे छीलकर इसकी चटनी बनाना, वड़ा पाव में मस्त लगती है, महाराष्ट्र डिश है। आरती सर, आप भी लीजिए। पुजारी जी, मुझको भी आरती लीजिए। पकड़ तो, हाँ, प्रसाद लीजिए, हाँ, आप भी लीजिए, हाँ, मुझे भी लीजिए। इसकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। दीर्घायु भव, हाँ, दीर्घायु भव। इतना बड़ा सर नहीं दिखा? मेरी नजर कमजोर है ना। तुझे आशीर्वाद चाहिए ना, ये ले। ऐसे चिल्लाओगे तो भगवान भाग जाएंगे। इसे देखकर तो कोई भी भाग जाएगा। ये क्या पुजारी जी, आप इसे इतना आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? आशीर्वाद दे नहीं रहा हूँ, आशीर्वाद निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या पुजारी जी? भाऊ, ये क्या पुजारी जी, ये आशीर्वाद इसके सर की साइज से छोटा है। अरे मेरा सिर उखड़ जाएगा। रुको रुको रुको, अरे छोड़ो 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 छोड़ दो। इसे निकालने के लिए अकल नहीं ताकत चाहिए। हाँ, अब मुझे देखो। भगवान का नाम लो। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। सिर्फ नाम से कुछ नहीं होगा, ताकत लगा। पकड़ता हूँ सर, और थोड़ा जोर लगाइए। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा नहीं होगा। कितना भारी है ये, फिक्र मत करो, मैं इसे कटवा कर भिजवा दूंगा। आप आशीर्वाद को काटेंगे? नहीं नहीं, इसका गला। अब पूछा तो तेरा गला। नहीं पूछूंगा बेटा, और भर भर के खिलाता हूँ। चल, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा नहीं खाना, कोई बात नहीं, 5-6 लीटर जूस पी लेना। कहाँ चल दिया मजनू? आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। वो छोड़ो, मैंने तुम्हारे फायदे के लिए जानबूझ कर ऐसा किया, अब हम रोज उसके घर जाएंगे। मैं आशीर्वाद पर ध्यान दूंगा और तुम पोटी पर देना। देवा महादेवा, अब मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हेलमेट खरीदने की भी नहीं। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। पुजारी जी आ गए। चलो बेटा, क्या बात है पंडित जी, मंदिर छोड़कर क्यों आए हो? आशीर्वाद लेने आया हूँ, बिना आशीर्वाद के जाऊंगा तो पिताजी सर काट देंगे। अच्छा, तो इसका सर काट के तुम्हें दे दूं? नहीं नहीं, बेचारा रोज नाश्ते में 10 अंडे, लंच के पहले 1 किलो चिकन और डिनर के बाद मटन खाता है, पर आशीर्वाद की वजह से बेचारा वेजिटेरियन बन गया है। अच्छा ही हुआ, वेज सेहत के लिए फायदेमंद है। वेज खा के ये उठ गया तो? कोई बात नहीं, हम रोज चेक करने। रोज रोज आने की जरूरत नहीं है, जब ये निकल जाएगा मैं आकर दे दूंगी। इलिंदा होगो।
सुना तुमने? जाने को कह रही है तुम्हें, और तू अंदर आ, तुझे घास फूस खिलाता हूँ। चल सुनिए श्रीदेवी जी। मीत सालो। श्रीदेवी जी, श्रीदेवी जी, तुम यहाँ तक क्यों आ गए? होगो ये प्रेम आपसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हें माजा घर अच्छी लक्ष्मी बनेगी। आपके लिए मैंने प्लॉट लिया है अपने दिल के कोने में। अगर आप हाँ कहेंगी तो मेरे पिताजी खुद हमारी शादी के मंत्र पढ़ेंगे। सोचिए महंगाई के जमाने में पंडित का खर्चा बच जाएगा। देखो मिस्टर प्रेम पुजारी, तुम मेरा पीछा छोड़ दो वरना तुम्हारी बहुत पिटाई हो जाएगी। घाइनों को आराम से विचार करो। लीजिए प्रसाद खा लेना। लिखते मस्त है। श्रीदेवी जी, मैं सिर्फ पुजारी नहीं ऑलराउंडर हूँ, मुझसे शादी के बहुत से फायदे हैं। इन फायदे? क्या फायदे हैं? लिस्ट लंबी है। मुझसे शादी करके तुम्हारे दहेज के पैसे बचेंगे, और तो और कोई भी फंक्शन में पूजा करानी हो तो पुजारी घर पे ही मिलेंगे। मैं मिसल पाव बहुत अच्छा बनाता हूँ, तुम्हें पकाने की जरूरत नहीं। और ये कपड़े इतने अच्छे धोता है कि तुम्हें गंदे कपड़ों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अब इतना सुशील सर्वगुण संपन्न पुजारी के रूप में बावर्ची वर्क कहाँ मिलेगा? शादी कर लूं वो भी तुमसे, ताकि मेरा पूजा पाठ का खर्चा बच जाए। इसके अलावा मुझे और भी बहुत कुछ आता है, और प्यार भी तो फ्री में देगा। मुझसे शादी करके दहेज में तुम्हें मौत मिलेगी। तुम्हें पता नहीं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मुझसे शादी करने का मतलब है मौत को दावत देना। अगली बार चिता का इंतजाम करके मेरा पीछा करना। ए, बॉक्स ले करना। यहाँ आओ बेटा, आशीर्वाद लेना है। लो मैं आ गया। सुखी पुलिस वाले ताने में भी टाइम पे नहीं पहुँचते। पर तुम तो बिफोर टाइम हो। आराम ही दिया। मुझे क्या है, कापी के मस्त हूँ। एक दीदी अंकल। आई एम फाइन। और आंटी कैसी है? वही पहले जैसी मोटी। स्किपिंग छोड़ दी क्या? घर में 3 फुट का खड्डा हो गया लेकिन 1 इंच कम नहीं हुआ। ए गिरा मत संभाल के रख। ये क्या, सीजन से पहले ही आम लेकर आ गए? आम नहीं, बम है। अच्छा अच्छा, क्या बम है? पुलिस वाले के घर में बम? यही सबसे सेफ रहेगा। बाइक चलाते हुए तो हेलमेट बहुत जरूरी है, लेकिन घर पे भी कंपलसरी क्यों? अरे ऐसा नहीं है, हम मंदिर गए थे, पुजारी ने आशीर्वाद देने के लिए रख दिया, आप निकल नहीं रहा। नहीं निकल रहे। फुटबॉल इधर आ। जाओ बेटा इसे भी मौका दो। अन्ना जैसे मैं बोलूँ खींच लेना, ठीक है? मुझसे खिंचवाएगा? देख भैया मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ, फिर खींचना। बात कम करो, खींचो। निकल गया, निकल गया। इसलिए बोलता फुटबॉल बाल में तेल लगाना जरूरी। जा जाके चंपी करा जा। नंदी, थैंक यू। फैंटास्टिक अंकल, क्या बात है। इसकी तारीफ क्या कर रही हो, खींचा तो मैंने, अब इसे मंदिर में दे आओ। अच्छा वैसे अन्ना, मुझे शुभ मुहूर्त के लिए एक पंडित चाहिए। क्यों, क्या किसी की शादी है? शादी नहीं श्राद्ध। पर उससे पहले उसका गला काटना। अरे ये सब बाहर जाकर करना, किसी दिन ये मेरी नौकरी छुड़वाएगा। चलो बहू, कल गुड़ी पड़वा है यानी उसका बर्थडे। वाकई में तुम सच्चे आशिक हो, मंत्र नहीं लेकिन उसका बर्थडे जरूर याद है। पर क्या फायदा, उसको कोई प्रेम भेंट देने के लिए प्रेम की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। ए भाऊ, मेरी बहनी आ रही है। बोलो कौन सी पूजा क्या करवाने आई हो, अर्चना अभिषेक या हवन? कुछ भी नहीं करवाना, तुम्हारा आशीर्वाद लौटाने के लिए आई हूँ, ये लो। भाऊ मेरा प्यार सच्चा है, पैसे का इंतजाम हो गया। वो कैसे? मतलब बोलो भगवान के आशीर्वाद की जय हो। एलियंस हो, स्पेस से आए हो? नहीं रेस लगा कर आए हैं। श्रीदेवी के फ्रेंड ने ये पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भेजा है श्रीदेवी के बर्थडे पर, मैं उसे देकर आऊं। दीदी तक पहुंचने के लिए मुझे रिश्वत देनी पड़ती है, लाओ मुझे दो। चीज पिज्जा है और मोटे हो जाओगे। ए सवा चार, ए पौने छे, अगर मुझे फिर से मोटू कहा तो पापा को बुलाऊंगा। पंडित का खून बहाएगा ये। इसका मतलब तुम दोनों पंडित हो, सही कहा ना? हेलमेट के अंदर से तुमने हमारा बायोडाटा कैसे पढ़ लिया? तुम्हें तो बच्चा भी पहचान जाएगा, तिलक माथे पे लगाते हैं, तुम लोगों की तरह हेलमेट पे नहीं। बड़े होशियार हो। छोटे साले ये पिज्जा तू खा ले और कोल्ड ड्रिंक श्रीदेवी को पिला देना। थैंक यू। भगवान तुम्हें लंबाई दे। अरे मोटा तो है, लंबाई भी देगा क्या? साला बनेगा तो और खिलाऊंगा। चलते हैं। अक्का। हाँ अक्का। क्या हुआ? हैप्पी जन्मदिन। थैंक्स। किसने दिया ये तुम्हें? और कौन, वही पुजारी जोड़ी। चढ़ावे वहाँ। नमस्ते पुजारी जी। नमस्कार। आपने चढ़ावा चढ़ाया? हाँ जी। वाह, लगता है पूजन सामग्री लेकर आए।
ये आपके पास? आपका बेटा इसे मेरे पास गिरवी रख के गया था। तब मैं दुकान पर नहीं था तो मेरे बेटे ने गलती से ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। प्रेम कुमार शास्त्री, 2 मिनट बाबा। शास्त्री आलो बाबा आलो। तूने आशीर्वाद को गिरवी रखा था? मला लवकर उत्तर दे। ओ बाबा कमीने, तूने आशीर्वाद को गिरवी रखा? क्या कर रहा है मला? इसकी हिम्मत कैसे हुई आशीर्वाद को गिरवी रखने की? ऐसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं। ये क्या जाने की ये क्या है? इस आशीर्वाद से भक्तों के पाप धुलते हैं। इसे गिरवी रखकर तूने संसार के सारे पापियों के पाप को अपने दामन में समेट लिया है। ऐसी पवित्र वस्तु का अपमान करने का तूने साहस कैसे किया? इसके लिए तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। अरे, अरे आज तूने जो किया है उसके लिए तुझे हृदय से प्रायश्चित करना होगा, जिससे फिर ऐसा करने का दुस्साहस कोई न कर सके। दीपक के बुझने से पहले अगर तू अपना हाथ हटाए तो मेरा मरा मुंह देखे। चलो। प्रेम सुनो, तुमने इसे खरीदने के लिए आशीर्वाद को गिरवी रख दिया, ये पाप तुमने क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। नमस्कार खलबली जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पंडित, तशरीफ रख। बता क्या पियेंगा? भगवान का दूध हूँ, पानी के अलावा कुछ नहीं पीता। हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं जजमान? हमको एक शुभ मुहूर्त निकालना है। निकालोगे? शुभ क्या, मनहूस मुहूर्त भी हम निकालते हैं। हमने अभी तक 5,000 शादियां करवाई हैं। 8,000 तलाक कराने का भी रिकॉर्ड है। जितने भी डिवोर्सी हैं उनकी भी 2-4 शादियां करवाई हैं। पर बिलो 18 की शादी हम नहीं करवाते। ये रहा टाइगर, एक और ग्लास है। ये उसका बाप शेर सिंह। लो भाई। ये रही रानी, एक और देना। ये रानी की माँ। शेर सिंह ने रानी से शादी कर ली। अच्छा, टाइगर ने रानी की माँ से चुपके से शादी कर रखी थी। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? शेर सिंह अपने बेटे टाइगर का दामाद हुआ। मगर टाइगर तो बेचारा अपनी बेटी का बेटा बन गया ना। कैसे रे, शेर सिंह तो रानी का हस्बैंड है, इसलिए टाइगर उसका बेटा और उसकी माँ उसकी बहू ही ना। बिना पिए चक्कर आ गए। ले ले, ले लूं। दोनों के बेटे में क्या रिश्ता होगा? शेर सिंह बाप हुआ और रानी माँ। अब ये रहा शेर सिंह का बेटा। ये शेर सिंह का बेटा है तब तो इसकी नानी इसकी भाभी लगेगी। सब कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन गोली से खत्म करना है। सर दर्द की गोली कंफ्यूजन दूर कर देगी? नहीं, बंदूक की गोली। तुम बस टाइगर की मौत का मुहूर्त निकालो। देखिए, हम शादी का या तलाक का शुभ मुहूर्त निकालते हैं, हम किसी को गोली मारने का मुहूर्त नहीं निकालते। अरे पुजारी, अगर तू उसकी मौत का मुहूर्त निकाले बिना गया तो मैं तुझे बिना मुहूर्त निकाले ऊपर भेज दूंगा। दूसरों को मारने का मुहूर्त निकाल रहा है, हमारा नंबर न लग जाए, कोई भी टाइम फिक्स कर दे। हो गया। आने वाले संडे को फुल अमावस्या है, सुबह 9 से 10 के बीच में होगा उसका खराब टाइम और आपका होगा अच्छा टाइम। अरे विद्याशंकर जी नमस्कार। अरे चंद्रकांत जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? आप ही के घर, शादी का मुहूर्त जो तय करना है। मेरे निखट्टू बेटे ने आपके सुशील मुलगी को पसंद कर लिया। पसंद करने की क्या बात कर रहे हैं, ये लोग तो छुप छुप के मिलते हैं और चाहते हैं कि शादी हो जाए। अति सुंदर। अरे बाप रे, पापा और काका। अयो, तुमने आप ही क्यों बंद कर दी? ओ माय गॉड।
जानू, तुम्हारा साथ पाकर मैं हवे में हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी हवा में हूँ। मोटरसाइकिल पेड़ पे ले गए, कहीं ये लोग सर्कस में काम तो नहीं करते। सर्कस वाले लोग तो पुल पर चढ़ते हैं, ये पेड़ पर चढ़ गए। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए प्यार करने के चक्कर में ये चक्कर खा के ऊपर चढ़ गए और उतर नहीं पा रहे। लगते तो भले घर के। मैं बात करता हूँ। और मेरे लाल, आत्महत्या घोर पाप है, लौकर खा लिए। तुम क्या मेरे बाप हो जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो? महा आरती का टाइम हो रहा है, मंदिर में जाओ। है इसे कैसे पता कि हमारी आरती का टाइम हो रहा है? जरूर दाल में कुछ खाला है। मेरे लाल, घर का पता दे, मैं तेरे पापा से बात करता हूँ। सच्चे प्यार को डरने की जरूरत नहीं है, प्यार कभी नहीं मरता, प्यार कोई पाप नहीं। आप तो ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे प्यार में पीएस नहीं हो। सुनो, तुम्हारे पिताजी प्यार के खिलाफ नहीं है, यही सही मौका है, हम उन्हें बता देते हैं। ये सारा भाषण बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए नहीं। बहुत दुनिया देखी है। भाऊ चुप हो जाइए। काय करे? क्योंकि ये आशिक प्रेम जैसा लगता है। क्या तू अपने प्रेम की बात कर रहा है? अरे तू कूद कर जान भी दे देगा तो भी इस लड़की से तेरी शादी नहीं कर पाऊंगा। चल अब नीचे उतर। नीचे आऊंगा तो आप मुझे बहुत मारोगे। मुझे तेरी कसम है बेटे, मारूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। संधि जी, आप थोड़ा शांत रहिए। बेटी जाओ, जाकर शक्ति प्रदर्शन करो। आप थोड़ा सरक जाइए। शर्मिली, तुम चुप क्यों हो गई? रो ना, बस थोड़ी देर और। अगर आज तुम नहीं रोई तो मुझे जिंदगी भर रोना पड़ेगा। रो। ऐसे कैसे रो दूं बाबा, कोई जबरदस्ती है क्या? मुझे रोना नहीं आ रहा। तुम्हें रोना नहीं आ रहा? आओ चुप हो जाओ बेटी, बहुत रो चुकी हो। रोने की आवाज तेज करो। इसके मोटे आंसू से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मिनाई करना, मुझे हाथी जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए। चुप रहो, तुम्हें क्या लगता है मुझे सूखा आम पसंद है? मैंने एक हैंडसम पसंद कर लिया है। अब साफ साफ क्लियर बताओ कन्या, तुम्हें किससे प्रेम है? और किससे? आपके बेटे से। क्या? अबे तू इससे शादी करेगा? अब इसमें क्या कमी है ये तो बताओ। हाथी है ये। हाथी कहो या ट्रक कहो, मेरी बेटी को किसी ने तो पसंद किया। लेकिन वो मोटरसाइकिल वाली मुर्गी कौन थी? तू काम पे ध्यान दे बेटा, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ू ना कोस। काय बोलते साई? हाँ? वो लड़की मेरी धड़कन, हाँ? मेरी सांसें, हाँ? मेरा सब कुछ है। वो लड़की मेरा सर दर्द, मेरा गला, मेरा बदन, मेरा हर दर्द है। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं? 40 साल पहले जब मैं साइकिल से कॉलेज जा रही थी तो मेरी साइकिल की चेन उतर गई थी, आपने ही तो चढ़ाई थी। उसी तरह मेरे बच्चे को भी प्यार हो गया है तो आप उसके रास्ते का रोड़ा क्यों बन रहे हैं? क्या सलीम ने अनारकली से प्यार नहीं किया? क्या हीर ने राजा से प्यार नहीं किया था? अब मुझे ही देख लो, मैंने इस बुद्धू से शादी की और कौवे से भी होशियार बच्चे को जन्म दिया। राजा ने भी लव किया था मजनू से, और लैला भी तो हीर की दीवानी ही थी। लव में कोई बुराई नहीं है, जिद करूँ ना कहो। मान जाइए ना। चलो मान जाता हूँ। वो लड़की कहाँ से है, उसके माँ बाप कौन है, उसका कुल कौन सा है, गोत्र क्या है, जन्म नक्षत्र कैसे है, और हाँ उसका आहार व्यवहार कैसा है, पहले ये मुझे बताओ। अपन टेंशन पाऊ ना का बाबा, आपकी आशाओं उम्मीदों पर वो बिल्कुल खरी उतरेगी। बहू के पास जाऊं? थैंक गॉड, अगर मेरे पापा भी मान गए तो समझो हमारी शादी अब जल्दी हो जाएगी। एक बात बताओ श्रीदेवी, तुम्हारी कास्ट क्या है? वो क्यों? जानना चाहता हूँ जनरल नॉलेज के लिए। मैं साउथ इंडियन हूँ, मेरा नाम है श्रीदेवी शेट्टी। क्या बोला? शेट्टी? गई भैंस पानी में, ये शादी नहीं होगी। इसका मतलब तुम नॉनवेज खाना खूब खाती होगी? हाँ, मछली से लेकर चिकन, मटन, अंडे सब कुछ। चिकन बिरयानी तो मेरा फेवरेट है। खत्म, ये शादी नहीं होगी, अगले जन्म में भी नहीं। तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? दहीसर में। और उनका शुभ नाम? एड़ा शेट्टी। कवि शंकर जी, शादी की तारीख तय कीजिए, दहेज में मैं उसके वजन के बराबर टमाटर दे दूंगा। क्या टमाटर पे ही अटके हो, सोना चांदी के बारे में भी सोचो। सोना महंगा है और शादी के बाद तो सोना है और खाना बनाना है, और क्या? इसका क्या फायदा, जितना बनाएगी उससे डबल खा जाएगी, फिर पैसे देके होटल से फिर मंगवाना पड़ेगा। ए, आज वो बच कर जाना नहीं चाहिए, उसको गाजर मूली की तरह काट दो। तूने अन्ना को वक्त पे हफ्ता नहीं भेजा ना, अब तू बचेगा नहीं। भाई येड़ा अन्ना का आदमी आ रहा है।
लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? मुझे लगता है वहाँ पालक सस्ती मिल रही है। मैराथन तो नहीं शुरू हो गया, सब भागने लग गए। अरे भाई क्या हुआ? लगता है मर्डर होने वाला है। अरे जल्दी भागो नहीं तो हमें गवाह बना के ले जाएंगे। चलो जल्दी चलो। कहाँ भागे? अरे कहीं भी भागो, भागो। हम लोग पंडित हैं, हमने कुछ नहीं किया। रुक रे, मैं तो उसको छोड़ दूंगा और तुम लोग को काट दूंगा। भाऊ हम आपको टपकाने नहीं, नहीं मुहूर्त निकालने वाले दोनों पंडित थे। मुहूर्त निकाला था तो पेमेंट मिला था ना, हम निकला ऐसे। देखा तूने मुझसे गलत मुहूर्त निकलवाया था ना, अब ये उसे छोड़कर हमें ही टपकाने जा रहा है। तुम लोग बकवास बंद करो। इस यवराज की शक्ल देख के तो लगता है कि नहीं बचेंगे। भाग लो भाऊ, भागो। खलबली, यहाँ सबके सामने मुझे मत मार, मेरी बहुत इज्जत है। इज्जत पिक्चर में तो धर्मेंद्र था, कल ही देखी। ए पुजारे चाकू दे। क्या कहा? मैं चाकू सिर्फ सब्जी काटने के लिए छूता हूँ, हत्या के लिए चाकू कैसे दूँ? क्या कहा? चाकू आप चाकू लेकर क्यों घूम रहे हैं? अरे कोई चाकू मांग रहा है, मैंने कहा गलत बात है। एडवाइस नहीं, चाकू दे रहे। भला मैं किसी को मारने के लिए चाकू कैसे दे सकता हूँ? सोचो मत, उसे दे दो। उससे कहो हम वार नहीं करते, दिलों के तार तोड़ते हैं। उसकी वार कटने वाली है, कनेक्शन फिट करते हैं। किसी के घर में आग लगी और तू वहाँ जाके अपनी रोटियां सेकना चाहता है? इसका चाकू है भाई? उसका ही है। उसका है तो उसे उठा कर दे दीजिए। अहला जब किसी को मारना ही था तो दो चार चाकू और ले लेते। चाकू दे वरना तेरे को ही काट दूंगा। देता हूँ, मना कब किया? लाना, घर पे भाजी नहीं काटी क्या कभी? सुनिए, अरे सुनिए, जल्दी सुनिए। अगर भाई को क्या चला? अब क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? हॉरर फिल्म देखकर इनका होश उड़ गया है, इसलिए इन्हें दवा नहीं दुआ की जरूरत है। भूत वाली फिल्म देखी? अरे रुक जाइए, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। इन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी, रियल में मर्डर देखा है। अरे आप जाके पानी लाइए ना, जल्दी। धड़कन तो चल रही है, थैंक्स सेवा। अरे ये बहुत तगड़ा बेहोश हुए हैं, छींटों से होश में नहीं आएंगे। मैंने घूम लिया, मैंने घूम लिया। शांत हो जाओ, घबराइए मत, हम आपके घर आ गए हैं। आपने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाइए। वो कोई कर्जा है जो उसे भूल जाऊं? वो बड़ा सा चाकू, उसका लहू। शास्त्रियों में आप वाकई महान हो। वो कैसे? आपने बता दिया कि गेम बजाने का मुहूर्त निकल सकता है। क्या कह रहे हो? आपकी कसम। कैसा बाबा, सब ठीक है? मेरे को क्या होगा, मैंने तुझसे कहा था लड़की का खानदान पता कर, वो ब्राह्मण ही है ना। आपकी बहू तो साक्षात देवी है। ये देवी और देवा से मुझे कोई लेना देना नहीं। तिचा नाव सांग। श्रीदेवी। श्रीदेवी खूब छान नावे। पूरा नाम तो और भी ढास हुए। सरनेम क्या है? पूछा था, याद नहीं आ रहा है। नाटक मत कर, जवाब दे। आपकी बहू का पूरा नाम है श्रीदेवी शेट्टी। मर गया। वो कैसा नाम? के बाप का नाम येड़ा शेट्टी। येड़ा शेट्टी पड़ने पर दिल सकता है भाई को, काय करूं मैं? आता आओ उठाओ। बाबा पानी लाओ। अबे पानी से नहीं, ये शॉक देने से ठीक होंगे। तुम्हें शॉक देने का शौक है क्या? आपने शायद सुना नहीं, लोहे को लोहा काटता है। इन्हें शॉक लगाए और मैं शॉक देके इनके शॉक को खत्म करता हूं। तो शॉक से दो। पूरी दुनिया में तुझे एड़ा शेट्टी की ही बेटी पसंद आई एड़े। अगर हाथ मांगने गए तो वो एड़ा हमारा ही हाथ काट कर कुरियर से हमारे घर भेज देगा। ये शादी नहीं होगी। मैं वादा कर चुका हूँ। खामोश 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 खामोश। धीरे बोलिए, आवाज कितनी गूंज रही है। मैं उसे नहीं भुला सकता, क्या आप अपने वेदों और मंत्रों को भुला सकते हैं? क्या बात कर रहे हो, बंदर कभी गुलाटी मारना भूलता है? शुक्र मनाओ कि ये अभी तक तुम्हें नहीं भूले। बेटा क्या तुम अपने बुजुर्ग पिता के लिए एक लड़की को नहीं भूल सकते? चाहे तो मुझे घर से निकाल दीजिए, पर मैं श्रीदेवी को नहीं छोड़ूंगा। अरे तूने अभी तक उसकी बेटी को देखा है, पिता के आतंक को नहीं देखा? जब उसके आदमी इतने क्रूर है तो वो स्वयं कितना क्रूर होगा। हे भगवान। देखो श्रीदेवी, तुम पढ़ी लिखी हो, अपना भला बुरा समझती हो, इसीलिए जात पात भेदभाव को नहीं मानती, ये अच्छी बात है। पर बेटी तुम जानती हो तुम्हारे पापा पुराने ख्यालात के आदमी हैं। वो अपनी बिरादरी के किसी मुच्छड़ मुष्टंडे को पसंद कर लेंगे, पर तुम्हारी शादी पुजारी से नहीं करेंगे। अंकल आप उनसे बात कीजिए ना। बात उनसे की जाती है जो हमारी कही बात को ठुकराए नहीं। तुम्हारे पापा को समझाना नामुमकिन है, इसीलिए कहता हूँ उस पुजारी को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी और सबकी भलाई है। अंकल सिर्फ अपने प्यार के बारे में मत सोचो, उस पुजारी की जिंदगी के बारे में भी सोचो।
ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। लाल बाग की लाल मिर्च लग रही है। नमस्ते पिताजी। आपके पोते की अम्मा आई है, खड़े तो हो जाइए। अपनी औकात के मुताबिक बात कर बे। तुम्हारे आने का उद्देश्य? मैं आपकी बहू बनने के लिए आई हूँ। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, चली जाओ यहाँ से। भाऊजी कुछ तो ख्याल कीजिए, आपका बेटा उसे प्यार करता है। अपनी जबान को लगाम दो, इतनी बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, तुम बोलो। देखिए पिताजी, आपको वेद पुराण और शास्त्रों में महारत हासिल है, आप महान और विद्वान भी हैं। आपकी बहू बनने के लिए न जाने कितनी लड़कियों ने 16 सोमवार के व्रत रखे होंगे, मुझे पता है। भाभी ने भी प्रेम का प्रेम पाने के लिए कई सोमवार का व्रत रखा है। अबे सुन, क्या है बाबा? फ्री में खाने की जिसकी आदत हो उसे व्रत की बात नहीं करनी चाहिए। ओके। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं ब्राह्मण घर की नहीं हूँ इसलिए आप मुझे नहीं अपना रहे ना। मैंने मांसाहारी खाना खाना हमेशा के लिए छोड़ दिया है और लहसुन प्याज को भी हाथ नहीं लगाती। सिर्फ हिंदुस्तानी कपड़े पहनती हूँ और भजन कीर्तन गाना भी शुरू कर चुकी हूँ। सुबह उठ के जब ये भजन गाएगी तो आपको लगेगा अनुराधा पौडवाल जी आई है मंदिर में। मुझे झुमका भाकर भी बनाना आता है। हरज, मैंने सुना है कि इन्हें भी झुमका भाकर पसंद है। और यही नहीं पिताजी, मैंने हनुमान चालीसा संतोषी माँ की आरती भी सीख ली है। मतलब तुम हमारे साथ पूजा पाठ करने भी चलोगी? ये तो मेरी भी माँ निकली। बेटी हम दोनों मिलकर कांदा भजिया साथ में बनाएंगे। किचन में कांदा भजिया ही नहीं, ये तुमको चिकन चिल्ली, मटन बिरयानी, फिश करी भी सिखा देगी। आप पहले नॉनवेज थे क्या? रविशंकर चुप हो गया। इतना ही नहीं, सूरज निकलने से पहले मैं उठ जाया करूँगी, पूजा करके नाश्ता तैयार कर दूंगी। हम तो फ्री टाइम में सिर्फ पत्नियों की ही सेवा करते हैं। सुनो बेटी, सिर्फ पहनावा बदलने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, ज्ञान है तो कष्ट उठाना पड़ता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। उठानी पड़ती है। मुझे लगा अभी अब धोती पे आएंगे। आज अपने सत्कर्मों से ही हम ब्राह्मण कहलाते हैं, वरना हम में तुम में अंतर ही क्या है? मैं समझ रही हूँ, पर अपने प्रेम का प्रेम पाने के लिए मैं ब्राह्मण बनने को तैयार हूँ। कथनी और करनी में बहुत अंतर है, हमारा जन्म ही ब्राह्मण कुल में हुआ है और मरते दम तक ब्राह्मण ही रहेंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य धर्म परिवर्तन से ब्राह्मण नहीं हो सकता। कैसी बात कर रहे हो मिस्टर हस्बैंड? पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, ये पढ़ा नहीं आपने? हिंदी चीनी भाई भाई, शाहरुख सलमान भाई भाई, मैं भी ब्राह्मण नहीं थी फिर भी शादी की ना। वाह, राहुल शंकर मुंह बंद करो। आपको पता है पिताजी, मेरे पापा जल्द ही मेरी शादी करा देना चाहते हैं। बहुत सारे लड़कों को उन्होंने देखा है, मगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रेम से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चलती हूँ। एक से भले दो। सब्जी लेने जा रहे हो क्या? प्लीज आंसर। सूटकेस लेकर कोई मार्केट में सब्जी लेने जाता है तो कहाँ चले? श्रीदेवी के घर। त्याला घरी का रे? मैं उसके साथ लग्न करने जा रहा हूँ। लग्न करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है? ऐसे जा रहा है कि वो लोग आरती लेकर तैयार खड़े होंगे कि दामाद जी आए हैं, दुल्हन को जल्दी विदा करो। अरे एड़ा शिट्टी तुझे वहाँ जिंदा गाड़ देगा। श्रीदेवी से जुदा होकर मैं वैसे ही घुट घुट कर मर जाऊंगा, यही सच है। लड़की के लिए अपनी जान देने को तैयार है, आप कुछ कहिए ना। कहने के लिए बचा ही क्या है, अब जाने दीजिए इसे यहाँ से। कवि शंकर तुम्हारी भी अक्कल घास चरने गई है क्या? पता है वो एड़ा कितना एड़ा है? क्यों, वो प्यार नहीं करते? वो इंसान नहीं है? इंसान तो वो अवश्य है, पर एक खूनी दरिंदे के रूप में। चुप रहो, डरपोक कहीं के। जब देखो ये एड़ा शिट्टी, क्या उसको सिंग लगे हैं? अरे क्या करेगा वो हमारा, आपको मारेगा, मुझे मारेगा, हम सबको मारेगा और करेगा क्या? मेरे जीते जी श्रीदेवी इस घर की बहू बनेगी और कोई नहीं। बिल्कुल सही।
आ गई बेटी, सफर कैसा रहा? अच्छा था। सुनो, हमारे पुजारी ने तुम्हारी शादी के लिए पूरा इलाका छान मारा है, तब जाके उसे हीरे की कड़ी मिली है, वो कल देखने आ रहा है। जैसे आपकी मर्जी पापा। सुंदर, ऐसी जोड़ियां स्वर्ग में ही बनती है। और मेरी? अबे नरक में। परमेश्वर बस पार लगा दे। टिकेट, टिकेट बोलो। एक टिकेट चुना भट्टी। अकेले का नहीं, सबका साथ में कटा। आओ। वहीनी तुम भी? जहाँ जहाँ मोबाइल जाता है नेटवर्क भी वहीं जाता है। ये मेरे मोबाइल और मैं इनका नेटवर्क हूँ। ड्राइवर चलो नासिक। देखना मेरा बेटा पाँव रखेगा तो सुमो के चिथड़े उड़ जाएंगे। जवानी है पुजारी, इनसे मिलके मेरी छाती डबल एक्सेल हो गई। ये कोई मामूली गुंडे नहीं है, पुजारी हैं। पुजारी? पुजारी? मौत के पुजारी। आजकल यमराज का काम इन्होंने संभाला हुआ है, यमराज ने इन्हें ठेका दिया है। गुंडे लोग पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं। पैर पे पैर चढ़ा। आई सी। माना कि गंदा है, दूसरों पर चढ़ना तुम्हारा धंधा है, अपना पैर अपने तक ही रखो, हटाओ। पैर चढ़ा के बैठो। आपके पैर नहीं है? अरे हाँ, लेकिन मैं पुजारी हूँ। तो आप लोग क्या काम करते हैं मुंबई में? अब एक हो तो बताएं। नाम करो, शादी, पूजा, सब कुछ, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। तो आप भी कंफ्यूज हो गए ना? इनका मतलब है इन्हें जो भी लड़की पसंद आती है उठा के ले जाते हैं, एटलीस्ट में नामकरण कर देते हैं, पैसे से शादी कराते हैं, मौत की पूजा करते हैं। अगर आप कोई भी पूजा कराना चाहते हैं तो हम डिस्काउंट में कर देंगे। अगले महीने शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, हम लोग भी बिजी हो जाएंगे। खूबसूरत का चुप बैठी है, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए हम लोग बड़ी बड़ी बोलने की बहुत बीमारी है। अच्छा, पर आपका बेटा कहाँ है? शेर कभी झुंड में नहीं आता, बात प्यार की हो चाहे लड़ाई की, वो हमेशा सोलो एंट्री लेता है। वो देखो शेर आया। शेर आराम से यानी गिरोगे तो दांत टूट जाएंगे। नहीं नहीं, पहली बार फिसला हूँ। अच्छा हुआ तुम यहीं फिसले। आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। मैं अपनी मर्जी से बैठता हूँ, अपनी मर्जी से लेटता हूँ, यही मेरा स्टाइल है। सच बोल रहे हो? ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हो, मक्खी उड़ा रहे हो? देखते जा। कुर्सी खींचने के लिए कुली बुलाऊं क्या? अरे तूने मेरी कुर्सी तोड़ दी। देखा, कुर्सी कमजोर है इसलिए नहीं बैठा। अच्छा किया, शेर कुर्सी पर नहीं बैठते, सिंहासन पर बैठते हैं। ये लो। अरे बाप रे। आ,
आपका बेटा बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। मतलब जवानी में मैं भी ऐसा ही था। आपने भी कुर्सी चेक की थी? नहीं, पत्नी को चेक किया। बेटे को देखो, अरे अपने पति को देखो, वो देखो बेटा, वो वहां बैठा है। अरे अरे क्या हो गया, भारी हो गया है क्या? अरे लड़कियों को तो शादी के बाद चक्कर आता है, इसको तो पहले ही आ गया। मनहूस बातें मत कर मनहूस, श्रीदेवी का पति भला मानूस। तो मैं क्या करूं? जा पानी लेके आ। कौन सा पानी? समंदर का। अब जाते हैं। सॉरी भैंस जी। बेटी श्रीदेवी आंखें खोलो बेटी। तुम गिर क्यों गई? नाश्ता नहीं किया था क्या? क्यों श्रीदेवी, लड़का पसंद नहीं आया? मुझे भी पसंद नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं, मैंने इन्हें शायद पहले कहीं देखा है। हाँ, देखा होगा, मोस्ट वांटेड लिस्ट में। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने इनके जैसा एक हैंडसम लड़का होटल के बाहर देखा था। मैं तो बस देखती रह गई थी। हाँ, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही थी? सपना नहीं, इसने फिल्म देखी। हाँ, है वही। हाँ, हमने भी देखी है। आपने भी? हाँ। वही फिल्म ना, जिसमें डाकू ठाकुर का हाथ काट देता है, हीरो क्रिकेट टीम बनाता है, अंग्रेजों को हरा देता है। क्या फिल्म थी! पिक्चर के एंड में पता चलता है कि पढ़े लिखे लोग भी डिलीवरी करवा सकते हैं। ये कौन सी फिल्म है? अरे भाई, आमिर खान के क्रिकेट वाली चक दे इंडिया। सुनो, कल हम शादी की तारीख पक्की करने आपके घर आएंगे। आजकल इतना दबंग लड़का सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। हाँ, येड़ा शेट्टी अब आपके घर बात पक्की करने आ रहा है। जब वो आपके घर आए तो उसे लगना चाहिए कि आप लोग सबसे बड़े गुंडे हैं। उसे 50% भरोसा हो गया। 50% बाकी है ना, इसलिए आपको दांव पेच सीखने पड़ेंगे। कौन से? पहला, जांग को झापड़। बस इतना ही? ये क्या टच स्क्रीन वाला जांग है क्या? झापड़ मतलब दूर तक गूंज सुनाई देनी चाहिए। बीवी को छू रहे हो क्या? पैर को आगे रख के ताल ठोको, ऐसे तूफानी शॉट लगाओ। सब सलामत तो है, प्रैक्टिस करो। चलो ताल ठोकना छोड़ो, ये ठोकना ठुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं। विलन जैसे चल के दिखाओ। किसके बल? पैर के बल। अरे रे रे रे, ये कौन सी चाल है? सिग्नल पर भीख मांग रहे हो? तुम दिखाओ। ओहो, अरे ये कोई रैंप वॉक है या कैटवॉक? कमर में बोच आ जाएगी, बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर तुम लोग इस तरह चलोगे तो येड़ा शेट्टी को तुम्हारे चाल चलन पर शक हो जाएगा और वो तुमको काट के चील कौओं को खिला देगा। तो कैसे चले हम? अरे ऐसे चलो कि धरती जाए हिल और दुश्मनों के धड़कने लगे दिल। ऐसा? अरे नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या है? ये ले, ये हथियार नकली है, डाल दो पीठ के पीछे। खुजली मिटाने के लिए अच्छी चीज है। वाह वाह, ये असली होते तो तुम्हारी खुजली हमेशा के लिए मिट जाती। ये खुजाने के लिए नहीं है। ऐसे निकालो। वेरी गुड, येड़ा तुम्हें ऐसे तलवारबाजी करते हुए देख लेगा तो अपनी बेटी की शादी तुमसे अभी के अभी करा देगा। गाड़ी रोक। लगता है बहुत बड़ा गैंग वॉर हो रहा है, देखने तो दो। श्री देवी, तुझे गैंगस्टर के घर ही पैदा होना था। शेर जैसी दहाड़ और दिखने में पहाड़। Oh,
भाई वाह, सबको धूल चटा दी। चाकू तो सभी इस्तेमाल करते हैं और तुमने तो घूसों से मार दिया। तुम्हारे पैर ही चाकू की तरह काम कर रहे थे, कमाल कर दिया। अच्छा सुनो सुनो, पैरों से जरा ताल ठोको ना। मुझे ताल सुर नहीं आता। अरे वो ताल नहीं बेटा, पैर पे ताल ठोक के बता। हाँ हाँ, हमने प्रैक्टिस की थी, उसी की बात कर रहे हैं। मतलब तुम लोगों को आता नहीं है? एक्चुअली आता है, लेकिन और अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें ठोकने की जरूरत ही नहीं है, हम बिना ठोके दिखाते हैं। ये तो मुर्गे का लेग पीस लग रहा है, कमाल है। क्या तुमने इन्हें सुबह बांग देते सुना जो इन्हें मुर्गा समझ लिया? टांगे तो वैसी है। अब इसे दिखाना ही होगा कि टांग मुर्गे की है या पहलवान की। क्या बेटा, ससुर जी की बात मान ले, ठोक दे। ठीक है, ठोकता हूँ। मर गया। तुम्हें अपनी जांग पर ठोकना था ना? मुझे लगा आपकी जांग पर ताल ठोकनी है। मुझे ठोकना होगा तो मैं ठोक लूंगा, तुम अपनी पर ठोको। मैं सिर्फ दुश्मनों को ठोकता हूँ। मतलब अन्ना तुम्हारे दुश्मन है? समधी जी, ये पगार से कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना, तो इसके सर पे इतने जूते मारूंगी कि बच्चे गंजे पैदा होंगे। ये लोग कुछ ज्यादा ही फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, सच्चाई पता लगानी पड़ेगी। मैं भी बाथरूम से आया। रुको, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? कुछ देर के लिए होल्ड करके रखो, थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ, हल्के बाद भी हो लेना। फिर मुझे कंपनी दोगे? नहीं दूंगा, मैं होकर आया। हाँ। अरे सुनो तो, खाली है ना, इनको जाना है। जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है, ये लड़के वाले मुझे शेट्टी परिवार के नहीं लगते। जरा सुनिए, आप प्रेम के परिवार को जानते अरे बाप रे, कौन है ये? क्या कर रहे हो, रो रहे हो कि खुजा रहे हो? अरे रात को किसी ने मेरा मुंह ढक के मेरा बैकग्राउंड सुझा दिया। यहाँ हमारे बहुत दुश्मन हैं, रात में अकेले मत निकलो। मुझे तो लगता है कि दुश्मन घर में ही है। ऐसी रंग बिरंगी गालियाँ मैंने सपने में पहले कभी नहीं सुनी। इसकी भैंस की मालिश करूंगा। मार कमीने को। भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे भाई भाई भाई, परसों तुमने जिस आदमी का सर काटा था ना, उसका सर मिल गया है और वो तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कहा? भाव, हथियार में धार लगाओ। पापा, गाड़ी में गैस भराओ। ठीक है। मामा, नान चाकू ले लो। ठीक है। अंकिल, गोनी भर कर बम लो। और चप्पल भी साथ में ले लो। किस लिए? तुम दबा के भागने के लिए? कायर फैमिली भागती है, हम सबको काट कर रख देंगे। क्या कहा? मतलब कीमा बना देगा। ये रसोईया है। सुन, खानदान छोटा हुआ तो क्या हुआ, हमारी लंबाई तो बड़ी है। समधी जी रोकिए इसे, कहीं ये वर्ल्ड वॉर ना शुरू कर दे। देखो बेटा मेरी बात सुनो, हर वक्त खून खराबा ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त मेरी इकलौती बेटी के लिए भी निकालो। आ, एक आइडिया आया, सब लोग मेरे घर चलो। सही कहा। नहीं, बात की नजाकत को समझ। ठीक है, गाड़ी निकालो। चले जाओगे तो कीमा कौन बनाएगा? पहले मार के कीमा बनाओ और इसे खिलाओ। हाँ चलेगा, उसके बाद जहाँ जाना आराम से चले जाना। घड़ी तो कभी कभी रुक जाती है, तेरी जबान कभी नहीं रुकती है। अन्ना को गन्ना देना पड़ेगा। बेटा चलो मेरे घर चलते हैं। चलिए। वेलकम बैक टू होम। ए रघु, हमारे इन खास मेहमानों का ख्याल तुम्हें ही रखना है, सुन रहे हो? मेहमान नवाजी में कमी हुई तो तुम्हें कम कर दूंगा, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। लक्ष्मी आओ तो। आज का मेन्यू है चिकन तंदूरी, कीमे का कबाब, छिली मुर्गी, पाया जूस और बकरे की ठंडी आइसक्रीम। शाम के वक्त हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो फिर सब्जी खा लो, पालक, अंडा, मेथी, कीमा, पनीर, गोश्त, बस करो। और भी बहुत कुछ है। सुनो ऐसा करो, एक गिलास करेला जूस, तुलसी पुदीने की चटनी, चार मूली पराठा एक मिर्च के साथ, और मीठे में लड्डू और दही, और साथ में टमाटर की चटनी और भिंडी फ्राई। इतनी बड़ी भिंडी चाहिए? एक कटोरी लहसुन की चटनी, पूरन पोली और दही ले आओ, बस हो जाएगा मेरा। खाने की पसंद देकर लग रहा है कि आप लोग नॉनवेज छूटे ही नहीं। बिल्कुल। और बात करते हो मार पिटाई गुंडे करेगा तो कीमा बना देंगे। अरे मैं कीमा ही तो खिला रहा था। सुन, पहले मर्डर के बाद और दूसरे से पहले प्रेम शंकर परिवार नॉनवेज नहीं खाता। ये जालिम स्टाइल है। मतलब जालिम शंकर स्टाइल। एक मिनट, उसने कहा कि आप लोग एक मर्डर करने के बाद दूसरे मर्डर करने तक नॉनवेज नहीं खाते, तो खाते कब हैं? कब भी नहीं खाते। कभी नहीं का मतलब? कभी नहीं का मतलब कभी नहीं है। मतलब कब कब है? नहीं, इसका मतलब कभी कभी। तो बताओ कभी कभी। नहीं नहीं, मतलब कभी कभी। हाँ कभी कभी बता दो। नहीं नहीं, इसका मतलब समटाइम समटाइम, तू समझ नहीं रहे हो। अरे सुनो यार, मेरा एक सवाल है। बताओ। तुम उसी फिल्म की बात कर रहे हो ना जिसका नाम कभी कभी है? अरे कभी कभी का मतलब है मुझे कभी गैस आती है। येड़ा शेट्टी, पर्दे तो सामने आ।
विलन मैं हूँ कि तू है? आप है भाई। तो चिल्लाएगा कौन, तू कि मैं? आप कंटिन्यू। येड़ा शट्टी, मर्द है तो सामने आ। वो छत पे नहीं जो आ जाएगा। और आपको पता है, येड़ा ने एक खूंखार बहुत खतरनाक और विस्फोटक दामाद खोज लिया है। कोई उसका दामाद नहीं बनेगा। नहीं होगी ये शादी, नहीं होगी ये शादी, नहीं होगी ये शादी। भागकर जाएगी कहाँ? ए रुक! ऊपर मत चढ़ो। मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। पर किससे? जब मेरे पापा को सच्चाई पता चलेगी तब पता नहीं वो क्या करेंगे। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा की है, मगर उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन तुमसे मिलने के बाद उनसे सिर्फ मैंने एक चीज मांगी कि सातों जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनो। समधी जी, सुना है आपके पास इतनी जमीन है कि देखने में कई दिन लगते हैं? हाँ, डेढ़ दो महीना तो लग ही जाता है ना। हाँ, लौटने की गारंटी नहीं है। डरा मत इन्हें। हाँ, घबराओ मत, हम लोग गाड़ी से जाएंगे। हाँ, बड़ी वाली। बेटा, हाँ? अगर हमें इतनी जमीन मिल गई तो एक एक के हिस्से में कितना आएगा? शादी हो गई तो हजारों एकड़, और अगर सच्चाई का पता चल गया तो दो बम आएंगे अपने हिस्से में। यार बम की बात मत किया करो, मेरी पैंट खराब हो जाती है। येड़ा अपने दामाद और समधी को अपनी सारी जमीन दिखाने ले जा रहा है। आज वापस वो नहीं लौटेगा, उसकी अस्थि लोटे में लौटेगी। भाई, गाड़ी पंचर तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है अन्ना, मेरे पास एक मास्टर प्लान है, आप चलिए। चलो। ये आम का बगीचा रमा भाई का था, उसे टपका कर छीन लिया। ये अमरूद का बगीचा पहले गाँव वालों की जमीन थी, 10-15 को टपका डाला, अब कोई बीच में नहीं आता। आगे ककड़ी का खेत भी है। बाप रे, इतनी जमीन तो मैंने कभी देखी ही नहीं। तुम्हारी तो निकल पड़ी भाई, संभाल के मूछ ना निकले। और दूंगा बम, सबको उड़ा दूंगा। ए, शिकार आ गया, जल्दी करो। भागो, भागो, भागो। कहाँ भाग रहे हो? हमला करो। अबे बम फेंक जल्दी। यही गाड़ी है ना? हाँ। शेर सिंह ने हमला कर दिया, जल्दी करो। चलो, शेर को मारने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये शेर कौन है? हमारा दुश्मन। दिवाली और होली दोनों आकर चली गई है, फिर ये फटाके कौन छोड़ रहा है? तेरे बाप की शादी है क्या? अरे ये शादी का पटाखा नहीं है, असली बम है। अरे डर क्यों रहे हो, बम का जवाब बम से देंगे। अब वाह, ये क्या किया, मैंने ये बम नहीं बोला था, मैंने देसी बम कहा था। अरे अरे, कहां से तुमने इनके सामने बम की बात कर दी? साला, इस गाड़ी में एसी भी ऑन है। बेटा, अन्ना, निकालो सब हथियार और दुश्मन को खत्म कर दो। मैं भी देखता हूँ आज कैसे बच के निकलते हैं। मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। तू कहां जा रहा है? मुझे शहीद होना है। आपने अपना बम गाड़ी में ही फोड़ दिया है, उनकी फिक्र छोड़िए, गैस तैयार कीजिए। आप यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और वो वहाँ हम पर हमला कर रहे हैं, बम से फूट जाएंगे तो हमें जोड़ेगा कौन? अरे डर कैसा, हम शेर हैं। ओ बम फेंकू, हिम्मत है तो सामने आके दिखा, ऐसा ताल ठोक के यहाँ से भागेंगे कि सीधे मुंबई रुकेंगे। चल रे, रास्ता क्या है? सेटी ग्रुप, लो ये बम उठाओ और फेंको दुश्मनों पर। हाँ हाँ, लाओ। ओ सेटी ग्रुप, ये शादी नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई। हमारा यही स्टाइल है। अब मेरा स्टाइल देखो। हाँ, पकड़ो एक मिनट, इसे ऐसे उठाओ और एक हाथ आगे करो, हटो हटो। अरे ये भाई लोगों, यहाँ से बचने की कोई योजना है? आइडिया मिल गया बचने का तरीका, अगर हम ग्रुप में खड़े रहे तो साथ में मारे जाएंगे, इसलिए सब अलग दिशा में भागेंगे। सब नहीं तो कम से कम एक तो बचेगा। भागो, अन्ना आपके पास हथियार नहीं है तो तेरा हथियार देना। ये लो।
हम लोग तो आपके आदमी है ना, तो खड़े क्यों हो? भागो भागो देवा रे। आजा आजा। अगर अपनी माँ का दूध पिया तो रुक जा। माँ का दूध पिया है तो पकड़ के दिखाओ, हम किससे डरते नहीं है। तुमसे तो बिल्कुल नहीं। इसको नहीं मारेगा क्या? अरे टाइम वेस्ट मत कर। टाइम वेस्ट? अभी तो जल्दी वेस्ट करता हूँ। अरे लगता है बम मारा है। बाप रे, कमीशन करके बम का असर तो नहीं है। ए, टाइम से सोना है तो जाग जाओ, और जान बचानी है तो भाग जाओ। राजपुरी की तरह काट दूंगा। हाँ, इन्हें किसने मारा? मैंने। अरे ये तो अपने आदमी थे। क्या? अरे अपने ही पोस्ट में गोल कर लिए और खुश हो रहे हो? अरे इसके हाथ काट दो। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं तो सिर्फ क्रेडिट लेना चाहता था। क्रेडिट लेना चाह रहे थे? ला उठा के दो। देखो मैं पीछे से वार नहीं करता। अरे रुक जा। नहीं रुकता। अरे रुक जा। नहीं रुकता। अरे क्या करते हो यार, हम दोनों अलग अलग ग्रुप के जरूर है, लेकिन हमारा पोस्ट है। तुझे काट डालूंगा। वैसे तू मेरे क्लासमेट लगता है, भाग जा। अबे रुलाएगा क्या, चल भाग यहाँ से। मुझे होके तो आने दो। आज मैं आगे, तू रहे पीछे। ऊपर मत आना, ऊपर मत आना। डरो मत शास्त्री, ये गैस बम से बेहोश हुआ है। क्या बात है, बिना हथियार के आपने दुश्मन को नानी कैसे याद दिला दी? अभी डिटेल में मत जाओ और जल्दी ऊपर आ जाओ। चलो ऊपर चलो। अरे ओ बड़े पुजारी जी, वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से ऊपर आ जाओ। मैं दुश्मनों पे चढ़ रहा हूँ और आप लोग बंदरों की तरह पेड़ पे चढ़े हो। हम यहाँ से दुश्मनों की तादाद पता कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। अरे लेकिन मेरा लाल किधर है? परिवार वालों, मैं टॉप फ्लोर पर हूँ, यहाँ हवा ताजी है। नीचे की बासी मत करो, नीचे उतरो। अरे मेरे को मत मारो, तुम लोग आपस में लड़ो। अब ये मोटा कहाँ से आ गया? अरे आप लोग, यहाँ बैंड बजी हुई है और आप आराम से बाराती बन के बैठे हैं। हम यहाँ आराम नहीं कर रहे हैं, दुश्मनों पर नजर रख रहे हैं। तुम क्या अपने आप को भगवान समझते हो जो सब पे नजर रख रहे हो? नीचे आओ। शाबाश, क्या जंप मारा बेटा, तू शेर का बच्चा है, चीते की औलाद है। वो सब तो ठीक है, मुझे धक्का किसने मारा? तूने जंप नहीं मारी, किसने धक्का मारा? भगवान ने, भगवान ने मुझे धक्का मारा। सही कहा, बहादुर के साथ भगवान रहते हैं। तुम क्या देख रहे हो, चलो मेरे साथ। सुना नहीं, चलो। नाना जी टांग, मेरी टांग टूटी तो? मिस्टेक में गलती हो गई, मैंने टेंशन में धक्का दे दिया। अब मुझे छोड़ो यार, मैं टॉस नहीं हूँ, मैं भगवान के लिए छोड़ दो। क्या बात है, देखा तुमने, मेरा बेटा अकेले उछल उछल कर उन सब की धुलाई कर रहा है। अरे ऊपर वाले के लिए मेरे को छोड़ दो, छोड़ दो मैं कह रहा हूँ। अरे मैं मंदिर का पुजारी हूँ, कुछ तो इज्जत दो। तुम्हारा बेटा नहीं मार रहा है, वो लोग तुम्हारे बेटे को उछाल उछाल के फुटबॉल की तरह मार रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ पूजा कराऊंगा, दक्षिणा भी नहीं लूंगा। छोड़ दो भाई, जाओ छोड़ दो उसे। भाइयों मरे हुए को मत मारो, वहाँ जाओ बोनस बट रहा है। अरे जल्दी मत छोड़ो यार। अरे बेटा तुझे ज्यादा नहीं तो लगी है, सलामत दिख रहा है, कुछ नहीं हुआ। अरे चलो चलो चलो। आपकी तारीफ। तू शेर सिंह से नाम पूछ रहा है? तलवार दे रहे, कहीं गिर गई। मैं प्रेम कोइता शेट्टी, शादी के लिए रेड्डी। आप भी भाभी को लेकर शादी में आ रहा है? खाने के साथ पानी बिल्कुल फ्री है। अरे अभी से घोड़ी पर सवार है तू, पर मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा तब ना। भागो। अरे भागो। बेटा ये लो, पकड़ पकड़। आजा आजा। आता माई सटक ली। तुम घिरे हुए हो मेरे आदमियों से। दोनों के आदमियों ने सफेद पहना है, तेरे जितने भी आदमी हैं उनको बोल तेरी तरफ आ जाएं। ए, आ जाओ सब इधर। टकले तू तैयार है ना? अरे बचपन से दिखाते हैं।
पास आया तो पत्थर से सर फोड़ दूंगा। अबे वो पत्थर नहीं है, बम है, बम। अरे रे मुझे क्यों दिया? मुझे क्यों? क्या ये बम कहाँ है? ये तो रस्सी का गोला है। बस बेटे, तुमने बम फेंक के शेर सिंह की तो हवाई निकाल दी। डरपोक कहीं का भाग गया साला। अच्छा सुनो, सब अपने अपने हथियार धो लो, जाओ। चलो जीत के आए हैं तो मटन खाएंगे। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए ना। आई आंखें खोलिए। प्रेम, मेरे बच्चे, हम आज ही यहाँ से घर लौट जाएंगे। तुम ये परिवार और श्रीदेवी को हमेशा के लिए भूल जाओ। ए, काय बोलते हैं साई, शेट्टी को चुना लग चुका है। देवा, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। मैं तो यहाँ से अपनी बहू को ले जाने आई थी, लेकिन यहाँ इतना खून खराबा देखकर श्रीदेवी को अपनाने की मुझ में हिम्मत नहीं। हमने आपकी बात पहले क्यों नहीं मानी? अगर मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे डर है बेटा, कहीं इस लड़ाई में मैं तुझे ना खो दूं। चल बेटा, चल यहाँ से। माँ सही कह रही है। आप सब लोग मेरी वजह से यहाँ पर आए थे, लेकिन मैं मजबूर हूँ और आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आप लोगों ने मेरे लिए खुद को बदला, मगर सबके दिल को बदलना बहुत मुश्किल है। मैं अपना प्यार पाने के लिए इतने सारे लोगों को तकलीफ नहीं दे सकती। सुनो बेटी, हम लोग तुम्हारे बिना चले गए तो तुम जैसी बहू हमें कहाँ मिलेगी जो हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने इन हाथों से हजारों शादियां करवाई हैं, तो ये शादी भी हम जरूर करवाएंगे। धीरज रखो बेटी। अगर तुम औरत होकर इतना रो रही हो तो हम मर्दों का क्या हाल होगा? हम तो हिम्मत हार ही जाएंगे ना। मैं वादा करता हूँ ये शादी जरूर होगी। हाँ, इस शादी को कोई भी नहीं रोक सकता। जी, हमारी शादी भी उसी दिन होगी ना। तुम्हारे साइज को देख के मेरे भी अरमान जागते हैं। तुम सिंगल नहीं, 10 in 1 हो। अन्ना, मैंने सुना कि शेर सिंह ने आप पर हमला किया था, आपने उस कमीने को उधर जिंदा क्यों नहीं काट दिया? अरे वो शेर तो हमारे दामाद की दहाड़ से गीदड़ की तरह भाग गया। अन्ना, छोड़ना नहीं चाहता उसे। मैं अपनी बेटी की शादी फिक्स कर रहा हूँ, बस वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाए, फिर उस शेर की औलाद को गीदड़ की मौत मारेंगे हम मिलकर। तू जल्दी घर आ जा। अभी आता हूँ ना, उबले अंडे की तरह मेरा खून भी उबल रहा है, चकने में खाएंगे। हाँ, अगर वो विलन यहाँ आ गया, मतलब जो अभी फोन पे था वो आ गया, तो वो हमारा तबला बजा देगा भाई। डर कर कब तक रहेंगे? क्यों ना घर छोड़कर हरिद्वार शिफ्ट हो जाएं? येड़ा यहाँ आ गया तो उसे कोई नहीं मिलेगा। हम तो पंडित हैं, हमें तो आश्रम में भी जगह मिल जाएगी। अरे खलबली तो बहुत ही खतरनाक है, जब वो तलवार उठाता है तो उसे गाजर मूली और इंसान में फर्क नहीं दिखता। आप लोग टेंशन मत लो, अगर उसके पास ताकत है तो हमारे पास बुद्धि है, बस इनको छोड़ के। हम उसके वार का जवाब प्यार से देंगे, यही ब्राह्मण धर्म है। बच्चन साहब, कौन हो तुम लोग? कौन रे? हम लोग पेस्ट कंट्रोल वाले हैं, म्युनिसिपैलिटी से। मगर तुम तो पुलिस वाले लगते हो। मैं इच्छा तो चला तेरे। गलती हो गई, पर आप मेरे पास क्यों आए हैं? तुम्हें अरेस्ट करना। किस लिए? कुरला सब्जी मार्केट में सरेआम एक आदमी का मर्डर करने के जुर्म में। ओ अच्छा, भाग गया। भागने का नहीं, कानून के हाथ लंबे हैं। तुझे पकड़ने एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी सब आए ले। सबने पुलिस की वर्दी पहनने के लिए 2 घंटे कड़ी मेहनत की है, कोई ना फिटिच नहीं हो रहा था। एक बार उनसे मिल तो लेता हूँ। तुमको देख के उनका बीपी और बढ़ जाएगा। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। यस सर। ये क्या, तुम लोग के पास हथकड़ी नहीं थी ना? मगर कोई कैदी भागते वक्त चुरा कर ले गया। शेरे बाबा, आजकल की पुलिस कोई फायदे की नहीं। हर बात पे हाथ क्यों उठा रहे हो? क्या लात मारूं तेरे को?
चल अभी थोड़ा झुक जा, पट्टी बांधनी तेरे को। पट्टी क्यों बांध रहे हो? हमारी आइटम्स लेडी कॉन्स्टेबल्स की सेफ्टी के लिए। ये आवाज तो काफी सुनी सुनी लगती है। हाँ सुनी होगी, शादी के हर मंडप में घुसती है। ये आवाज भी सुनी सुनी लगती है। आ? इसे जल्दी काल कोठी में डाल दिया जाए। पहले कोटे लेके जाएंगे। ये चलो चलो। कौन सी जेल में लेके जा रहे सर? बिहार जेल। ये रवाड़ा में डालो ना, उधर मेरा बहुत फ्रेंड्स है। हाँ सर बैठने दे। एसी ऑन करो ना। खिड़की खुली है हवाले। सर ऐसा लग रहा है हम एसल वर्ल्ड के कोई जायंट फिल्म में बैठे हैं। वो भी बिना टिकट लिए। पुलिस वालों को बोल बच्चन मत दो। क्यों ना दूं? क्या ना सर, बच्चन साहब मेरे फेवरेट है, हर बोल में वो निकलते ही निकलते हैं। फिर से स्वागत है जमाई बाबू का उसकी ससुराल में। बिन शादी ससुराल? अबे घोंचू, ससुराल मतलब पुलिस स्टेशन। मगर कैदियों के गंदे कपड़े की खुशबू नहीं आ रही है? प्यारे कैदियों को पुलिस पाटे पे इत्र लगाकर इतना धोया है कि उनकी बास चली गई है अब। अरे वाह, इतनी सारी रिस्पेक्ट। अगर आपको कम लगेगी तो हम और दे देंगे। सच्ची? तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा। हम जेल में है कि मंदिर में? क्यों यहाँ पूजा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सॉरी सॉरी। तमेव विद्या द्रविणम तमेव। थाने में पूजा तो हो सकती है, लेकिन लेडी पुजारन कैसे? अबे पुलिस स्टेशन में लेडी कांस्टेबल पूजा नहीं कर सकती क्या? अयो सास भी कभी जेल में थी, इसका रीका चल रहा है। आप लोग तो मुझे कोई भी एंगल से पुलिस वाले लगते ही नहीं है। वो बंद पुलिस वाला ही है, हाथ भी चलाता और गाली भी देता है। काले कौवे तेरी हरकतें ही ऐसी है। ये हमारे बड़े साहब हैं, इन्हीं की वजह से तुझे सरसों का साग और परसों की रोटी मिलेगी खाने के लिए। खा के मर। क्या परसों की रोटी? काले कौवे तेरी हरकत ही ऐसी है, कल को थप्पड़ पे भी टैक्स लग सकता है। तुम कमीने लोग बेचारी मुर्गियों के अंडे खाते रहते हो, कितनी मेहनत से अंडे देती है वो। अंडे दो तो पता चले कितना दुखता है। हम चाहते हैं कि काले सांड तू सुधर जाए। एक एक करके सब हाथ साफ कर रहे हैं। अरे बैंगन भरते बहुत बोल रहा। फिर से मारा। सर मैं समझ गया पुलिस वाले कैसे होते हैं। बताता हूँ सर, यदि मैं परिवर्तन लाने के लिए उसे एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसे जेल में टीवी डीवीडी सिगरेट शराब बिना मांगे दे देना चाहिए, परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाएगा। अयो प्यार से बात करो ना, मारते क्यों? अबे शाणे तू क्या, हमारी बीवी है जो तू प्यार करेंगे मारेंगे ही ना। चल ए पुजारी, शादी का कोई ऐसा मुहूर्त निकाल जिससे देवता भी स्वर्ग से शादी में आ जाएं। ये ना डेट के लिए रो रहा है और पुजारी सो रहा है। हैं? मूर्ख, शुभ मुहूर्त निकालने के लिए मैं स्वर्ग में गया था। अलग अलग देशों के टाइम जोन और मौसम विभाग के अनुसार आज रात 12:12:12 का समय सबसे शुभ है, सबके 12 बज जाएंगे। भैया। अरे आनंद इंगवा, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मैं हमेशा सही वक्त पर आता हूँ। ये हमारे होने वाले समधी की फैमिली है, वो जो सबसे लंबा है ना वही हमारा दामाद है। नमस्ते सर। मैंने सुना है तुम अपने एरिया के शेर हो। कौन से उल्लू के पट्टे ने कहा? अरे भाई मैंने कहा है, आप सब लोग मुंह फेर के क्यों खड़े हो? हम अनजान लोगों को चेहरा नहीं दिखाते। क्यों नहीं? कोई हमें पहचान ना ले। पहचान ना ले मतलब? इनका मतलब है कहीं दुश्मन लोग न पहचान ले। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, दिखाइए अपना चेहरा। दूल्हा तो दिखने में एकदम 24 कैरेट वाला हीरा है और फैमिली भी बिल्कुल हीरों की खदान है। खदान के इस घोटाले की दक्षिणा तो तगड़ी मिली होगी। भैया से भी दक्षिणा दिलवा दूं? चलिए ये लड़के वालों को दे दीजिए। धन्यवाद पुजारी जी। किसने बुलाया? मैंने बुलाया। और एक बात, भले ही श्रीदेवी मेरी बेटी नहीं पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला है। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं क्योंकि श्रीदेवी इससे खुश है। पर याद रहे, आप लोगों की पोल खुलने से पहले हर हाल में यह शादी हो जानी चाहिए। हो जाएगी। श्री देवी कितना घिसोगी अपना गाल, मुझे गुदगुदी हो रही है। अगर तुम इसी तरह मुझसे लिपटी रही तो गर्मी के मौसम में बारिश होने लगेगी, बादल आ रहे हैं। श्री देवी, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं और चोटी को छू लूं। श्री देवी तुम तो पीताम्बरी की तरह दिख रही हो। मैं पीताम्बरी हूँ, मेरी प्यास बुझाओ ना। राम 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 राम। अरे रे देवा का झाला है, अनजाने में रॉन्ग नंबर लग गया। माफ करना वहनी, मुझे गलत मत समझना देवा। अरे पहले मेरी बात तो सुनो, क्यों ना आज दो जिस्मों को
हम एक जान हो जाने दें। कंट्रोल कंट्रोल, देखो मैं कोई मैग्नेट नहीं जो चिपक जाऊं। अरे इतना चिपकोगी तो जिस्म से जान अलग हो गई तो। तुम मुझे प्यार से भिगा दो ना। तो रहो, पराई स्त्री को छूना महापाप है, जाना का। पापी तो हर कोई होता है। पिताम्बरी मुझे कर दे बड़ी। कुछ पाप बहुत अच्छे होते हैं। मत कर, नहाना पड़ेगा। पिताम्बरी मैं श्रीदेवी को धोखा नहीं दे सकता, जाओ जाना का ताई। क्या हुआ पिताम्बरी, आज तुम दिन में कैसे आ गई? तुमने येड़ा शट्टी को फंसाया कि नहीं? नहीं। क्या कहा? तुम्हें वहाँ किस लिए भेजा था मैंने? तुमने आग क्यों नहीं मारी? अपना पल्लू क्यों नहीं गिराया? कमर क्यों नहीं मटकाई? येड़ा शेट्टी को भूल जाओ, अब मेरी नजर उसके होने वाले दामाद पर है। ओ, तो तू उसे छोड़कर दामाद के पीछे पड़ गई? वो तो बहुत खूंखार है। खूंखार? वो तो मर्द कहलाने लायक भी नहीं। मुझे उसके गले से ये मिला है। मामूली माला नहीं जनेऊ। इसे सिर्फ पुजारी ही पहनते हैं ना? समझ गया, मिल गई कमजोरी। अब मैं येड़ा शेट्टी को खून के आंसू रुलाऊंगा। अच्छा बेटा, तुम्हें भी शादी के बाद डांस करना होगा। अब आपने तो कमाल की बात कह दी, जितना बड़ा ये गुंडा है उतना अच्छा डांस भी करता होगा। चलो आपने जो कुछ कहा सही कहा। ये मैंने कहा, पर ये नाच गाना मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा, शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हें नचाएगी। खुश तो बहुत होगा तू, है ना येड़े? बेटी की शादी के कार्ड बांट रहा हूँ तो खुश तो होगा ही। और तुमने फोन क्यों किया बिना बाल के शेर? मैं तुम्हारे होने वाले दामाद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है वो शेर का बच्चा है। शेर? तेरे दामाद ने जिंदगी में कभी नहीं उठाई गन, वो है कट्टर ब्राह्मण। अबे बकवास बंद कर, कान खोल के सुन। जिसे तू शेर का बच्चा कहता है वो मुर्गी के बच्चे को छूने से भी डरता है। अबे फोन रख, चिल्लाएगा तो गला बैठ जाएगा। तेरा दामाद पुजारी है। दामाद पुजारी है, तेरा दामाद पुजारी है, तेरा दामाद पुजारी है। आपने उसे बता क्यों दिया? शादी से हमारा ही फायदा होता। अबे गधे, अगर ये शादी हो गई तो येड़ा शेट्टी उन पुजारियों को भी अपनी तरह शक्तिशाली बना देगा, उसकी ताकत दुगनी हो जाएगी। ये शादी टूट नहीं चाहिए। पुजारे, ए, पुजारे। वो तो बाहर गए हुए हैं ना? वो जहाँ भी गया है मैं उसका वही सत्यानाश करूंगा। मुझे धोखा देगा, चलो मेरे साथ। इसे ले चले। इसे लेगा तो रायता फैल जाएगा। चल। ये आवाज तो सुनी सुनी लगती है। ये तो येड़ा शेट्टी की आवाज है। येड़ा शेट्टी, अन्ना अन्ना अन्ना। अरे ये तो खलबली की आवाज लग रही है, कहाँ से आ रही है? यहाँ से नहीं, अंदर से आ रही है। खलबली? खलबली, ये क्या हुआ तुझे? किसने कैद किया तुझे? आप मुझे मिलने येरवाड़ा जेल आए। अन्ना आप तो आए आए, इनको भी साथ ले आए। मेरे तो खुशी के मारे आंसू ही नहीं रुक रहे। अरे भाभी तो कितनी प्यारी लग रही है। ये तेरा येरवाड़ा और तिहाड़ जेल नहीं है, ये मंदिर के पुजारियों का घर है। क्या घर? पुजारियों का घर। मगर उस दिन तो मुझे एसपी डीएसपी डीआईजी ने अरेस्ट किया था। ना ही वो एसपी डीएसपी थे, ना ही ये येरवड़ा जेल है। मतलब उन्होंने मुझे अप्रैल फूल बनाया। उन्हें बनाने की क्या जरूरत थी? तुम तो चलते फिरते अप्रैल फूल हो। चुप कर खजूरे। इससे पहले कि गुंडा बिरादरी में मेरी नाक और मूछ कटे, उन पुजारियों को मौत के घाट उतार कर उनका श्राद्ध करूंगा और गंगा स्नान करूंगा। क्यों अन्ना शेट्टी, आज खाने में क्या बनवा रहे हो? सुन के खुश हो जाओगे। मूली पराठा, मूली दाल, मूली का भरता, मूली की सब्जी। अरे मुँह में पानी आ गया, मेनू छोड़ते हैं, रोटी तोड़ते हैं। खाने से पहले एक बलि देंगे फिर खाना शुरू करेंगे। बलि? हाँ। बकरा कहाँ है? बेटा। जी ससुर जी। ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन? तो इसे अभी के अभी माफ कर देते हैं, क्योंकि माफ करने वाला बड़ा होता है। माफ करने वालों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, मगर उर्वशी और रंभा नहीं मिलती। तुम्हें इसे मारना ही होगा। चलो। हाँ, और इसका सिर एक ही झटके में अलग हो जाना चाहिए। नहीं भाई साहब, हम निहत्थे को नहीं मारते, ये हमारी शान के खिलाफ है। तलवार इसे दे दे। नहीं, ये तो हमें ही काट देगा। शेट्टी भाई साहब, ये हम नहीं कर सकते, इसकी बलि आप ही चढ़ाइए। नहीं, बलि मेरा दामाद ही चढ़ाएगा और मैं वो देखना चाहता हूँ। अब तो इसकी बलि चढ़ेगी हमारी। अब भाई आज तो शनिवार है। क्या शनिवार रविवार करके टाइम पास कर रहे हो? चलो जल्दी से गर्दन काटो। ज्यादा सोचो मत बेटा, आगे बढ़ो। काट दो गला, काट दो। काट दो। नहीं मारूंगा। मारकाट से संन्यास ले लिया। क्यों? आखिर क्यों मारूं? आपको किसी को मारने का अधिकार किसने दिया?
बापू ने कहा था एक गाल पर चाटा खाओ तो दूसरा आगे कर दो। बापू की बात बीच में मत लाओ, जो तुमसे कहा गया है वो करो। बापू के बताए रास्ते पर चल, सुखी रहेगा। अगर रास्ते पे ही चलने की बात है तो महात्मा गांधी रोड पर थोड़ी देर चल लेगा तो क्या बुराई है, मार्गदर्शन भी तो हो जाएगा। तुम लोग बापू की मिसाल क्यों दे रहे हो? बिन लादेन, वीरप्पन और कौन था, हाँ हमारे डॉन येड़ा शेट्टी। चुप, तेरी फिलोसफी बाहर झाड़। क्षमा करो, पुण्य जमा करो, जियो और जीने दो। एकता में बल है, हम होंगे कामयाब। ये तो साथ साथ है। तुम भले ही छोड़ दो पर हम नहीं छोड़ने वाले। खलबली बेटड़ा। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, मूछ लगाव या पूछ। इसे जानते हो कि नहीं? ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, देखिए ना चुपचाप बैठा है। अब की ना तूने पते की बात, मेरा अच्छा रूप तो तूने कुरला मार्केट में पहले ही देख लिया था। शेट्टी भाई अब जाने दीजिए, आपको शादी नहीं करनी तो ठीक, हम कोई और लड़की देख लेते हैं, हमारी बस का टाइम हो गया। इतनी भी जल्दी क्या है, ए, इन लोगों का चटनी बना कर। तूने मुझे डीएसपी एसपी बनके येड़ा बनाया ना, येड़ा मेरा अन्ना है, मैं नहीं। वैसे तुम लोग में डीएजी कौन था? तू था। सती जी, मैं हाँ छोड़ती हूँ, माफ कर दीजिए इन लोगों को। लग रहा राजा तो मी, मैं तो राजा तो मी। अल्लाह पुजारी है, बस करो, रुक जाओ। हाँ पुजारी आओ आओ। यजमान मैंने लग्न के कार्ड छपवा लिए, कच्चे धागे का मंगलसूत्र बनवा लिया, लाडू बर्फी रसगुल्ला एक से एक मिठाई का ऑर्डर दे दिया, सब कुछ हो गया। आपको एक बात बताऊं कि लड़की के पिता आप हैं लेकिन आपका बाप मैं हूँ, मतलब सबसे नर्वस मैं हूँ। अरे लड़के वालों ने हजामत का धंधा चालू कर दिया क्या, या फिल्मों में काम करने का सोच लिया? मुझे चूहा खा गया। मैंने कटवाई है। क्यों, सबकी खींचेंगे फोटो? हाँ, ताकि उसे लटका के फूल चढ़ाया जाए। यू फूल, फूल का हकदार सिर्फ मैं हूँ मैं। तो तुम्हारी भी फोटो उतार देते हैं, सब रेडी है, तुम रेडी हो? ऑलरेडी। जाओ। आज नाक से सॉस खाया क्या? सॉस नहीं खून है। क्यों, पोल खुल गई क्या? बोमरा, मैं एक मुंडन करवा के आता हूँ। पकड़ो इस मुसीबत की जड़ को। अरे ओ बाप रे, आएगा, आए 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 आए, मुझे मत उठाओ, मैं उठ जाऊंगा, नीचे उतारो, पैदल चल के जाऊंगा। अरे मैं मरा नहीं हूँ, कंधा क्यों दे रहे हो? जाओ अंदर, गुड़ी पड़वा का बोनस बट रहा है, ले लो जल्दी जाओ। ए, देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं चुल्लू भर पानी फेंक कर तुम सबको उल्लू बना दूंगा। उठ जाओ, हमारे दामाद जी की अच्छी खातिरदारी करो। बेटी तुम हट जाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। तो भूल जाइए पापा, ये इनकी गलती नहीं है, इसका कारण मैं हूँ। ये ड्रामा, ये झूठ, इन्होंने सब मेरे लिए किया, मेरे कहने पर। तुम्हारी गलती है तो भी सजा सभी को मिलेगी, तुम हट जाओ। नहीं हटूंगी, मुझे नहीं पता था कि मैं आपको कैसे राजी करूं, इसलिए मैंने ये सब कुछ करवाया। मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकती, और पापा प्रेम भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं आपसे अपने प्यार की भीख मांगती हूँ, आकाश ले जाओ इसे यहाँ से। प्रेम, 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 छोड़ दो, पापा, पापा मैं तो शादी करूंगी, मैं तो बस जहर खा के शादी करूंगी। इसके जीते जी तुम किसी और से शादी नहीं करोगी ना, तो ठीक है मार देता हूँ इसे। अन्ना, ये क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए हैं क्या? अगर लोगों को इस बात का पता चल गया तो वो आप पर हंसेंगे, इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, छोड़िए इन्हें। निकाल। ए, इस इलाके में दोबारा दिखाई दिए तो टांगे तोड़ कर रख दूंगा, निकाल। चलती हूँ दादा, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है बहन। दुख है तो इस बात का कि मैं उन दोनों को नहीं मिला सका। संभल कर जाइए। बस रोको। कैसा है बेटा? श्री देवी को लिए बिना नहीं जाऊंगा। रुक जा। इसे जाने दो। श्री देवी हमारी बहू बनेगी। अन्ना, मैं तो बोलता मैं जाके उन सब लोग को खत्म कर देता। पुजारी फैमिली वापस आ गई। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वापस नहीं लौट पाएगा। मुझे बस श्री देवी को खोने का डर है, अपनी जान जाने का डर नहीं। ऐसी बात है, खलबले। पुजारी वापस मंदिर जाओ और बैठ के शंख बजाओ, नहीं तो मंदिर नहीं डायरेक्ट भगवान के पास जाएगा। एक मिनट रुक। क्या रे, मैंने सुना मेरी गैरहाजिरी में तूने बहुत एक्शन किया है। एक कदम आगे बढ़ाते कार उड़ा देता था, तो फिर चलना कदम बढ़ा। वो सब तो प्लानिंग से होता था, आज कोई प्लानिंग नहीं है। बढ़ाना रे। नहीं बढ़ाऊंगा। बढ़ाना, रहने दो। अरे बढ़ा। अम्मा। अब भाऊ तुम तो कमाल हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो इसमें बम किसने रखा? खत्म कर दो इनको। एक मिनट, अभी अभी उन्होंने कार में धमाका किया, पता नहीं कहाँ कहाँ बम लगाया होगा, कहीं धोती में। येड़ा जी, प्रेम और श्रीदेवी की जोड़ी खुद भगवान ने स्वर्ग में बनाकर भेजी है। अब अगर आपने या इस बाल के खाल ने या इस गधे के उल्लू ने बोला, मिटा के रख दूंगा। अगर कोई रास्ते में आया तो उसके रास्ते लग जाएंगे। भाऊ धोती जल जाएगी। आज फिर अपना प्लान चौपट हो गया। येड़ा की गाड़ी में बम फिट किया था लेकिन पुजारी ने आके फोड़ दिया। इतनी मेहनत की थी लेकिन पुजारी की वजह से सब पानी में गया। भाई सही आदमी से प्लान बनवाओगे तो ही प्लान पास होगा ना। अब येड़ा शेट्टी अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का ढूंढ रहा है। अरे शास्त्री जी, तो पहले क्यों नहीं बताए? आपके पास हमारा नंबर तो था। आपको बता के क्या फायदा, मामला तो हाथ से निकल चुका था। पुजारी जी, किसी से प्यार करना कोई पाप नहीं, प्यार धन दौलत नहीं देखता। ये फैसिलिटी सिर्फ लड़की के लिए है। हम बिना नुकसान पहुंचाए, बिना खून खराबा किए श्रीदेवी के साथ आपके बेटे की शादी करवा देंगे। अब तुम्हारे साथ है। हाँ? अरे दीदी क्यों खर्चा बढ़ा रही हो? मेहंदी का कलर भी आ गया, लेकिन तुम्हारे वो हीरो कब आएगा? वो जब आएगा ना तो ऐसी एंट्री मारेगा कि सब देखते रह जाएंगे। अरे दीदी उसके आने तक मेरा वोटर आईडी बन जाएगा। हीरो की धमाकेदार एंट्री सिर्फ पिक्चरों में होती है, यहाँ आएगा तो उसका दी एंड हो जाएगा। भले ही वो वन पीस में आए लेकिन दादा के हाथ उसके टुकड़े हो जाएंगे। छोटे देख रहे हो, दामाद जी का चेहरा क्या चमक रहा है। आपका जवाब नहीं, ये हीरा कहाँ से मिला? चलो अंदर, चलो अंदर अंदर। आप इतने टेंशन में क्यों नाच रहे हैं? पता नहीं ये पुजारी लोग कहाँ हैं। चलो 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 जल्दी जल्दी। चलिए चलिए अंदर, चलिए चलिए। कई पंडितों से पूछा पर इसकी शादी कराने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जिस किसी ने मुझे ना बोला ना उसकी गर्दन काट दूंगा। लड्डू मत भूलना। किसी को 5-10 हजार खिलाते तो कोई भी आ जाता। ये मार्केट में बहुत बदनाम है। ए, तुझे मेरी शादी के लिए पंडित नहीं मिला? वो देख मेरी शादी कराने पंडितों की फौज आ रही है। जल्दी आओ, कंट्रोल नहीं हो रहा। ये शादी कराने नहीं तेरी बर्बादी कराने आए हैं।
पुजारी यहाँ फिर मरने के लिए आ गए। सेव लाइफ एंड यहाँ से खिसको। ए पुजारी इंग्लिश में मत बोल, हिंदी में बोल। एक मिनट में तेरा स्वाहा हो जाएगा, तू तो ठहरा परदेसी, साथ क्या निभाएगा। मुझे डराओ मत, मैं कौन हूँ तुम जानते नहीं। तुम वो नारियल हो जिसे हाथ से फोड़ा जाता है। तेरा चिराग बुझने वाला है पंडित। शेट्टी जी, आपकी बेटी के लिए प्रेम शंकर अपनी जान तक देने को तैयार है, तो आप हाँ क्यों नहीं कर देते। आप सीधी तरह से नहीं मानेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। चुप कर, अपनी औकात में रह के बात कर। अगर तूने मुझसे जबान लड़ाई तो तेरा सिर काट के तेरे ही हाथ में दे दूंगा। खल्लू टपका दे इन्हें। अरे क्या हुआ, काट दे गला। लगता है इसमें जंग लगा है, अगर इससे मारेंगे तो लोग कहेंगे हमने इन्हें मारा नहीं, ये सेप्टिक से मरे हैं। अन्ना, लगता है शेर सिंह ने हम पर हमला कर दिया है। जो सामने आए मार दो उसे, वही बचने ना पाए। ए शेर सिंह, आज तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। ए, अगर कोई आगे आ गया तो उसे गेड़ा से पहले मार दूंगा। ए शेट्टी की बेटी, पहले तेरी बेटी को मारूंगा, उसके बाद तेरा नंबर आएगा। चुप टकले, बहुत देखे तेरे जैसे मारने वाले। श्रीदेवी को छुआ भी तो तेरा टकला फोड़ दूंगी मैं। रुको, ससुर जी की जान जा सकती है। श्रीदेवी सुरक्षित तो येड़ा सुरक्षित, इसलिए सबसे पहले श्रीदेवी की सुरक्षा करनी होगी। ए, तुम लोगों में से किसी में हिम्मत है जो येड़ा को मार सके। भाई वो मेरे को चिढ़ा रहा है। वो तुमको नहीं, मेरे येड़ा अन्ना को चिढ़ा रहा है। अरे अभी हमने तुम्हें चिढ़ाया ही कहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो अब चिढ़ाओ। ए, मार डालो सबको। अभी क्या करी, गाजर मूली के जैसे काटेगा फिर खिला देगा चील कौओं को। एक बात बताओ, ये कौआ मांसाहारी होते हैं? मेरे लाल, एक मिनट रुक, मैं तुझे तांबे की कलसी का पानी पिलाती हूँ। बुजुर्ग सही कह गए हैं, तांबे के पानी में दम है। भाई बहू लेकर आया। ऑल द बेस्ट। मैंने अपनी जिंदगी में जितने मर्डर देखे हैं, उतना तूने सपना भी नहीं देखा होगा। हाँ, जिस स्कूल में मर्डर सिखाया जाता है वहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे से पंगा लेगा तू? तो कौड़ी के कॉमेडियन मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाता है, छोड़ दो ना बहन। रवि, इसकी रेखा तो कमाल की है। रेखा में क्या लिखा है? तुम्हारी रेखा में गुंडागर्दी नहीं लिखी हुई है, बॉलीवुड लिखा हुआ है। तुम यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, सीधा बस पकड़ के फिल्म सिटी चले जाओ। यासठ नंबर का बस पकड़ के सीधा फिल्म सिटी पहुँचो। देर मत करो, अभी जाओ। हीरो बनूंगा ना। तुम हीरो बन गया। हम लोगों की दक्षिणा तो देते जाओ भाई। मेरे को भी ये लो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में बम और चाकू क्यों नहीं है? मेरे हाथ में गुंडे बनने की रेखा नहीं है, सुपरस्टार बनने की रेखा है, इसलिए मैं सीधा बस पकड़ के गोरेगांव फिल्म सिटी जा रहा हूँ। कैटरीना, अरे अरे रुक तो सही, तू हीरो तो नहीं विलन का चमचा जरूर बनेगा। तुम, मुझे लगा कोई गुंडा है। अरे वो लोग आपके भाई को मार रहे हैं और आप पुलिस वाले होकर यहाँ छुप रहे हैं। मैं पुलिस वाला हूँ, पुलिस हमेशा वारदात के बाद आती है, पहले कैसे जाऊँ? ए भाई एक आध बार इधर भी। नहीं 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 नहीं। अरे ओए नामर्दों, मैं कोई मामूली पुजारी नहीं, मेरे सर पे 9999 रुपए का इनाम जारी है। मैं तुम्हारे ग्रहों को ऐसे चक्कर में डालूंगा घन चक्करों कि तुम्हें खुद चक्कर आएंगे। तुम मुझसे टक्कर क्यों ले रहे हो? जिक। सब गायब, बच गया। नहीं।
रजनी। रजनी का छोटा भाई। क्या किसी ने माँ का दूध नहीं पिया? अरे पिया है तो जल्दी आओ, आ जाओ। ये लो, ये लो। बेटा ये बम मत फेंक, नहीं तो आदमी जहन्नम पहुंच जाएगा। ये बम नहीं, टमाटर है। मुझे और मुझे मालूम है कि ये टमाटर है। एक बम मारो बम। अजी सुनते हो, वो बम नहीं है, वो टमाटर है। क्या कहा, टमाटर? अरे तुमने क्यों बता दिया कि ये टमाटर है, मरवा दिया ना। अरे कोई तो निकालो भाई, कोई तो निकालो इसको। कुत्ते की तरह क्या भौंक रहा है कुत्ते? मार क्यों रही है? चल छोड़ जा। अबे यहाँ पे क्यों लेटा है, घर पे जाके लेट। दामाद जी, लड़ाई में हमेशा एक की जीत होती है, लेकिन समझौते में दोनों की जीत होती है।